सो हेगा से क्या चल रहा है भाइयों। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5 और आज हम लोग फिर से एक बार आज क्या माइकल के साथ। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ने प्रेसिडेंट के मेंशन की बैंड बजा दी थी। हम लोग यार अपना स्पेशल वेपन लेकर प्रेसिडेंट के मेंशन में घुस गए, वहां पे सारे के सारे किलर कमांडोस को मारा, पूरे मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फ्रैंकलिन की लास्ट में जान भी बचा ली थी। और अभी अपने को लॉस सांटोस में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे सामने आएगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई, बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। और लॉस सांटोस में अभी अपने जितने भी दुश्मन हैं एक एक करके सारे खत्म होंगे और लास्ट में अपन लोग प्रेसिडेंट को खत्म करने वाले हैं। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक शुरू कर देना। एंड हाँ, ये वाला वीडियो मैं 1.5 घंटे का बनाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि भाई वीडियो को बड़ा बनाओ। तो लो भाई अब वीडियो 1.5 घंटे का है। तो इस वाले वीडियो पे भाई अगर तुम लोगों ने 40,000 लाइक कंप्लीट करा दिए तो मैं तुम लोग के लिए बड़े बड़े वीडियोज लेकर आऊंगा। एंड हाँ, इस वाले वीडियो में तुम लोग को सिनेमैटिक शॉर्ट्स और बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और वीडियो भी 1.5 घंटे का है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग लाइक रखते हैं पूरे 40,000 का और अगर आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया तो वीडियो भाई पूरा 1.5 घंटे का आएगा और बहुत मजेदार वाला वीडियो। तो प्लीज सारे लोग एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि इस वाले वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है क्योंकि 1.5 घंटे का वीडियो है, सिनेमैटिक है, तो 3-4 दिन इस वीडियो को बनाने में लग जाएंगे और तुम्हें लाइक करने में सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे। तो सारे लोग एक बार लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। बाकी यार अभी हम लोग पलीटो बे आ रखे हैं भाई, फ्रैंकलिन की थोड़ी हालत खराब हो गई थी, फ्रैंकलिन को काफी ज्यादा टॉर्चर्स किया, किलर कमांडोज ने काफी ज्यादा पीटा, माइकल की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, पर फ्रैंकलिन भी भाई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, फ्रैंकलिन पिटता रहा पर फ्रैंकलिन ने मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बाकी यार मेरे को ना ये कपड़े की शॉप नजर आई थी जहाँ पे कोई है ही नहीं, तो मैंने फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस एक शर्ट चेंज की है। बाकी फटाफट से एक काम करते हैं, हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं, फ्रैंकलिन की हालत अभी काफी ठीक है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में एकदम साइड में लगाई थी और ये सामने बंदा कौन है भाई, मेरी गाड़ी के फोटोज ले रहा है। एक सेकेंड, हेलो सर, एक सेकेंड तेरी तो ऐसी की तैसी भाई भाग, एक सेकेंड ये है कौन भाई, ये बंदा मेरी गाड़ी के भाई जरूर कुछ गड़बड़ है। गाइस लेस्टर ने बताया था कि यार मेरी गाड़ी ना अभी लॉस सांटोस में सारे लोग पहचानते हैं और जरूर ये बंदा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। यहाँ मैं इसको शूट नहीं कर सकता, मेरे पास वेपन जरूर है, बिकॉज इसको पकड़ना पड़ेगा, इसका फोन लेना होगा। तेरी तो भाई भाग कर रहा है, एक मिनट, तुझे क्या लगता है तू छुप जाएगा, तेरी तो, हेलो, एक सेकेंड, भाई ये बंदा ना बहुत चलाक है, ये मेरे को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, अभी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, ये इस बंदे को पकड़ना पड़ेगा, इसका फोन लेना होगा। अगर इसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी और अगर पुलिस को यहाँ बुला लिया तो गाइस गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि पुलिस से लड़कर ना कोई फायदा नहीं है, पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है प्रेसिडेंट। एक बार मैं प्रेसिडेंट को खत्म कर दूं उसके बाद लॉस सांटोस का प्रेसिडेंट बनूंगा और पुलिस हमें ही सपोर्ट करने वाली। तेरी तो ऐसी की तैसी भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा चलाक है, देख रहा पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में मेरे को भगा रहा है। इसको क्या लग रहा है कि माइकल मतलब थक जाएगा भाई, माइकल तेरी तो भाई, ये बंदा ना भाई फुल, रुक जा मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं घर निकालूंगा, एक मिनट मेरी बात सुन, भागने की कोशिश मत कर, यहाँ कोई भी नहीं है, मैं घर निकाल के तेरे को यही शूट कर सकता हूँ। तो भी मैंने इस बंदे से यार फोन ले लिया और ये बंदा बता रहा है कि यार इसको नहीं पता था कि यार वो गाड़ी माइकल की है, बस इसने न्यूज़ में वो गाड़ी देखी थी तो इसने फोटो ले लिया था कि पुलिस को देकर भाई थोड़े पैसे कमा ले। तो मैंने इससे बोला कि चुपचाप से फ़ोन निकाल के यहाँ से निकल जाए और मैंने इसे थोड़े पैसे भी दे दिया। तो एक काम कर फटाफट से यहाँ से निकल और अगर तूने ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी दी कि गाड़ी यहाँ पर देखी है तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बाकी भाई फटाफट से पहले तेरी तो फ़ोन, एक सेकेंड, फ़ोन पर मैंने गोली वगैरह मार दिया है, फोन एकदम भाई खत्म ही हो गया होगा। अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, मेरे को ना गाइस थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि मेरी गाड़ी को ना अभी सारे लोग पहचानते हैं, तो मेरे को ना गाड़ी को थोड़ा छुपा के रखना। और एक सेकंड यार, मेरी गाड़ी तो पार्किंग में लगी हुई है, फटाफट से पहले कार को लेते हैं, फ्रैंकलिन की अभी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है तो उसको यहाँ से लेकर चलते हैं। और आज अपने को लॉस सांटोस में भाई बहुत ही तबाही मचानी है क्योंकि मिलिट्री कर्नल प्लान बना रहा है माइकल को पकड़ने का और मेरे को ना मिलिट्री कर्नल को खुद पकड़ना है उसी के प्लान में फंसा के, तो बहुत मज़ा आने वाला है।
तो एक काम करते हैं फटाफट से पहले अपनी गाड़ी में बैठते हैं। ओके ये रही मेरी कार, मेरी कार कोई नहीं ले जा सकता भाई, मैंने इसको लॉक कर रखा है और अगर कोई ले भी गया ना तो इसके अंदर ट्रैकर लगे, मैं एक सेकंड में ट्रैक कर लूंगा। तो अपने को गाड़ी की तो टेंशन है ही नहीं, बस इस गाड़ी का ना कुछ करना पड़ेगा यार। गाड़ी को हर कोई पहचान रहा है कि ऐसा ना हो कि इस गाड़ी की वजह से मैं फंस जाऊँ। ओके तो हॉस्पिटल का ही सामने ही है, फटाफट से हॉस्पिटल चलते हैं। ओके तो मैं काम करता हूँ ना, फटाफट से पहले गाड़ी को अंदर लगाता हूँ और फ्रैंकलिन को लेकर आते हैं। ओके गाड़ी को यहाँ लगा दो और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अभी मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता, नहीं तो कोई ना कोई फ़ोन करके पुलिस यहाँ ज़रूर बुला लेगा। तो फटाफट से हॉस्पिटल में चलते हैं। तो अभी मैं हॉस्पिटल आ चुका हूँ और भाई सुबह सुबह ना पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली है, पर यहाँ पे डॉक्टर्स रिसेप्शन पे सारे लोग आ चुके हैं। भाई ये लोग ना लंच करने बहुत ज़्यादा जाते हैं पर अभी इन्हें पता है कि यार मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए सारे लोग यहाँ पे हैं और ये लोग ना माइकल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एक फ़ोन पे ही सारे लोग आ जाते हैं। तो मेरे को जल्दी से देखना पड़ेगा फ्रैंकलिन का है। ओके तो गाइस ये रहा फ्रैंकलिन एंड इसकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही है। फ्रैंकलिन भाई तू ठीक तो है ना, अगर तू ठीक नहीं होगा ना तो भाई एक दिन और रुक सकते हैं भाई, वैसे लग तो एकदम फिट रहा है ये। फ्रैंकलिन चलने को रेडी है क्या तू? ओके रेडी है एकदम। तो फिर एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, बाकी डॉक्टर अगर कोई भी दिक्कत होती है मेडिसिन वगैरह भाई लिख देना, क्योंकि हम बार बार यहाँ नहीं आ सकते, नहीं तो तुम लोगों के लिए भी काफ़ी मुसीबत हो जाएगी। तो फ्रैंकलिन एक काम कर, डॉक्टर से पहले अच्छे से बात कर ले, मैं तेरा बाहर ही इंतजार करता हूँ। तो फ्रैंकलिन अभी डॉक्टर से ना मेडिसिन वगैरह लिखवा रहा है, वैसे लग तो काफ़ी बढ़िया रहा है, दो दिन से हम लोग यहीं पर थे और अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और डॉक्टर्स भी ना हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी कम पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं और किसी ने भी अपने को यहाँ पर देखा नहीं है। तो एक काम करते हैं फटाफट से अभी मैं फ्रैंकलिन का बाहर इंतजार करता हूँ एंड उसके बाद अपन लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। सो अभी यार काफ़ी देर हो चुकी है फ्रैंकलिन का इंतजार करते करते और फ्रैंकलिन बोल रहे हैं कि यार अभी थोड़ी देर और माइकल को वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर अभी दोबारा से यार फ्रैंकलिन का चेकअप कर रहा है। तो मैं ना अभी यार हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हूँ, यहीं पर उसका इंतजार कर रहा हूँ, बस जल्दी से वो आ जाए उसके बाद अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी बाइकर गैंग वालों ने मेरे पर अचानक से अटैक कर दिया और वो देखो वैन लेकर भाग रहे हैं, दो बंदों को तो मैंने यहाँ पे ढेर कर दिया और मैं बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ। मुझे तो लगा था कि यार वो अभी मेरे को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे दो बंदे खड़े थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, एम्बुलेंस उड़ चुकी है। तो अभी मैं उस बंदे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसको जाके पकड़ने वाला हूँ। वो वैन लेकर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा और उसकी इतनी हिम्मत गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसे पता कैसे चला कि मैं पलीटों में हूँ। मैं यार मरते मरते बचाऊँ, मैं थोड़ा सा बचा नहीं तो यहीं पे मेरा काम खत्म हो जाता। इसकी तो ऐसी की तैसी, भाई वैन लेकर कितनी दूर भागेगा, मैं उसको पकड़ के रहूँगा और अगर मेरे एक बार हाथ लग गया तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहाँ गई उसकी वैन? एक सेकेंड भाई, ज़्यादा दूर। ओके गाइस मेरे को मिल चुका है, तेरी तो निकल यहाँ से भाई, इस बंदे को पकड़ के रहना है, मैं इसको बहुत निकल यहाँ से इसके। ओ तेरी, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, मैंने एक टक्कर क्या मारी इसकी तो निकल यहाँ से। इसने बहुत ही गलत टाइम पे मेरे से पंगा ले लिया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो तो अच्छा है कि मेरे पास स्पेशल गन नहीं थी, वो मेरे ट्रेवर को दे दी, अगर वो मेरे पास होती तो मैं इसे वैसे ही ख़त्म कर दूँ। निकल यहाँ से भाई, इसकी गाड़ी तो मैं ऐसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार मार के उड़ा दूँगा। ओह भाई देख रहे हो क्या खतरनाक वाली इसको टक्कर लग रही है और ये कब तक अपनी जा। एक सेकेंड मैंने अपनी गाड़ी पलटा दी, को अपनी गाड़ी सीधी करनी है। ओके भाग 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 बेटा, कितना भागेगा, निकल यहाँ से, अभी तो ये पक्का उड़ के जाने वाला है। यहाँ तुम लोग देख रहे हो भाई, ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं, इसकी इतनी निकल यहाँ से। ओ भाई मैंने इसके ऊपर भाई भागने की कोशिश कर रहा है, भाग के कहा जाएगा तेरी तो, निकल यहाँ से। ओके तो मैंने इसे अपनी गाड़ी से दबा दिया, भाग भाग बेटा कब तक भागेगा, तेरी तो ऐसी की तैसी। मैं इसको मारूंगा पर अभी नहीं,
पहले मेरे को इससे पता करना है कि इसे भेजा किसने है और ये यहाँ पे पहुंचा कैसे। तो फटाफट से उठ जा और मेरे को जो जो मैं पूछूं जल्दी से मेरे को बता। तो अभी मैंने यहाँ पे लोस कैंग के बंदे को उठा दिया और मैंने इससे पूछा कि यार आखिरकार यहाँ पे पहुंचा कैसे। तो ये बता रहा है कि यार प्रेसिडेंट की एक कॉल आई थी और प्रेसिडेंट ने इसे पूरे $10 मिलियन का ऑफर दिया कि अगर माइकल को खत्म कर देगा तो पूरे $10 मिलियन मिलेंगे। इसीलिए ये पैसों के लालच में आकर सीधा यहाँ पे आकर माइकल के ऊपर अटैक कर दिया और ये तो मेरे को खत्म ही कर देता। वो तो अच्छा है कि सही टाइम पे वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी। और कितना बाकी का वे इतनी देर तेरी निकल यहाँ से भाई। इसमें इसको एक सेकंड अभी मेरे को इसे छोड़ना नहीं है। क्या पता बच गया हो। एक मिनट पहले पिस्टल में हाथ में ले लूँ। गया कहाँ एक सेकंड मेरे को देखना है। मैं इस बंदे को एक सेकंड कहाँ गायब हो गया ये। एक सेकंड गाइस ओके ये ही रहा यहाँ पे। तेरी तो ऐसी तुझे क्या लगा तू माइकल को खत्म करेगा। माइकल को मारना इतना आसान नहीं है। और प्रेसिडेंट को जाके बोल देना। वैसे ये क्या बोलेगा प्रेसिडेंट को भाई। अभी ना मेरे से बहुत ज्यादा खतरा है। उसे पता है कि यार वो मेरे से जीत नहीं सकता। इसीलिए भाई ये बंदों को भेज रहा है मेरे को खत्म करने के लिए। पर प्रेसिडेंट कम से कम अच्छे लोगों को भेजिए। बाइकर गैंग वाले मारेंगे भाई। आज तक ये मेरे को हाथ नहीं लगा पाए तो ये मेरे को मारेंगे कैसे। तो फटाफट से मैं यहाँ से निकलता हूँ। अभी मेरे को फ्रैंकलिन को कॉल करना है। फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल के बाहर बुलाते हैं। अभी भाई हॉस्पिटल हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार हमारे वजह से डॉक्टर्स को खतरा हो जाए। वो डॉक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फटाफट से अपनी गाड़ी बिगाते हैं एंड जल्दी से चलते हैं भाई फ्रैंकलिन के पास। तो अभी हम लोग पलीटो में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं और तुम लोग यहाँ देख रहे हो ये है वो दोनों बंदों की डेड बॉडी जिन्हें मैंने खत्म कर दिया था। फ्रैंकलिन तू टेंशन ना ले फटाफट से यार गाड़ी के अंदर बैठ। अबे फ्रैंकलिन जल्दी भाई जल्दी गाड़ी के अंदर बैठ। मैंने दोनों को खत्म कर दिया है। बाकी तुम लोग यहाँ देख रहे हो यार हमारे वजह से एक मेडिकल वाले बंदे को चोट लग गई। और एक सेकंड भाई ये भाई वो मर चुका है। फ्रैंकलिन वो मर चुके हैं यार। जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैंने फ्रैंकलिन को समझा दिया और फ्रैंकलिन अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे और भी गैंग के बंदे आ जाए। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ पे मेडिकल की एक टीम आ रही है जो कि सीधे चली गए। मेरे को नहीं पता वो लोग जा कहाँ पे रहे हैं। पर अभी फटाफट से हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा और अभी हम लोग सीधे सांडी स्टोर जा रहे हैं और चल के लेस्टर से बातचीत करते हैं। बाकी यार मेरे को ट्रेवर का भी पता करना पड़ेगा कि यार आखिरकार ट्रेवर कहाँ पे है। क्योंकि ट्रेवर को ना मैंने अपनी स्पेशल गन दे दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि यार वो उस गन का फायदा उठा के लोगों को खत्म कर रहा हो। क्योंकि उसका ना कुछ कह नहीं सकते भाई। वो थोड़ा गर्म खोपड़ी का है। उसका अगर दिमाग खराब हो जाता है तो वो कुछ भी कर लेता। और गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो फ्रैंकलिन पीछे नजर डाल। बाइकर गैंग के कुछ बंदे जा रहे हैं। एक से गोली मत चला भाई। गोली नहीं मारनी थी उन्हें कार से उड़ाना है। इसको क्या लग रहा है तेरी तो ऐसी तसी निकल। अभी देखो इस निकल यहाँ से भाई। ना ये बचेगा और ना ही इसकी गाड़ी। मुझे लगता है ये अपने गैंग के बंदों की हेल्प करने आ रहा होगा। भाई तुम लोग देख रहे हो 10 मिलियन का प्रेसिडेंट ने लालच किया दिया। ये मेरे को मारने आ रहे हैं। तो पता नहीं है कि मेरे पास स्पेशल गन है। हम लोगों ने लॉस सांटोस की सबसे बड़ी गैंग बना दी है। अभी माइकल को कोई टच नहीं कर सकता भाई। माइकल सबकी बैंड बजा देगा। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाले एपिसोड में हमारी गैंग ने पुलिस की क्या बैंड बजाई थी। अभी पुलिस ना 10 बार सोचेगी भाई सांडी शॉर्ट्स आने के लिए। क्योंकि सांडी शॉर्ट्स में ना हमारी एक अलग ही गैंग बन चुकी है। तो फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई लेस्टर के पास।
तो अभी हम लोग सैंडी शोर्स पहुंच चुके हैं, फटाफट से यार लेसन के पास चलते हैं। और लेसन ना पिछले कुछ दिनों से यहीं पे रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना पुलिस आ पाएगी और ना ही प्रेसिडेंट किसी को भेज पाएगा, क्योंकि ये जगह ना भाई किसी को पता ही नहीं रहती, मतलब ज्यादा लोग को इस जगह के बारे में पता नहीं रहता है। ये एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे बहुत कम घर है, तो इसीलिए लेसन और अपनी टीम यहाँ पे एकदम सेफ है। फटाफट से चल के उनसे बात करते हैं। एंड ये वैन किसकी है मेरे को नहीं पता, फ्रैंकलिन फटाफट से आ जा। बाकी टाइसन, ट्रेवर और लेस्टर यहीं पे होने चाहिए। ओके, सामने मेरे को कुछ बंदे नजर आ रहे हैं। ओके, तो वो अपनी टीम के ही बंदे हैं, शायद वहां पे कुछ बातचीत कर रहे होंगे। एंड ये बंदा कौन है जो वैन लेकर आया है यार, ये तो नया कोई मेरे को लग रहा है। ओके, हो सकता है कि यार कोई काम से आया हो, क्योंकि ये भी एक छोटा सा डॉक्स है। यहाँ पे भाई बोट वगैरह आती रहती है जिनसे काफी ज्यादा बाहर से सामान आता है। एक छोटा सा गांव है, यहाँ के कुछ ही लोग काम करते हैं। ओके, तो लेस्टर मेरे को, टाइसन नजर आ रहा है, लेस्टर भी नजर आ रहा है, पर ट्रेवर यहाँ कहीं नहीं नजर आ रहा। एक सेकेंड, मेरे को फटाफट से इनसे बात करनी पड़ेगी कि ट्रेवर कहाँ है। तो अभी मेरी लेस्टर से यार बातचीत हो गया और लेस्टर बता रहा है कि यार कुछ टाइम पहले तक ट्रेवर यहीं पे था, फिर अचानक से उसके पास एक कॉल आया और वो सीधा यहाँ से निकल गया। तो मैंने इसको बताया कि यार मेरे ऊपर एक अटैक हुआ था, एक बाइकर गैंग ने अटैक किया था, तो हो सकता है कि ट्रेवर बाइकर गैंग को खत्म करने गया हो। और गाइस, उसके पास स्पेशल गन है, अगर वो वहां पे हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खत्म कर देगा। और ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि सैंडी शोर्स में अभी हम लोग एकदम सेफ हैं, पर अगर सारे लोगों को पता लग जाता है कि यार हम लोग यहाँ पे हैं, तो मिलिट्री, FIB, प्रेसिडेंट की स्पेशल फोर्स, सारे लोग हमारे ऊपर एक साथ अटैक कर देंगे, फिर हमारा बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहो, मैं फटाफट से ट्रेवर को लेकर आता हूँ। और गाइस, मेरे को उससे वो स्पेशल गन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो गन है मैं सिर्फ किलर कमांडोस के लिए लेकर आया था। अगर हर किसी के ऊपर यूज करेंगे तो उसकी बुलेट्स खत्म हो जाएंगी, और अगर बुलेट्स खत्म हो गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ से चलते हो। मेरे को पक्का पता है कि ट्रेवर को पता लग गया होगा कि बाइकर गैंग ने मेरे ऊपर अटैक किया है, क्योंकि उसके ना बहुत ज्यादा लिंक है, और वो पक्का बाइकर गैंग के एरिया में गया होगा। तो मेरे को जल्दी से चल के उसे वहां पे रोकना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें खत्म करने गया हो और ट्रेवर को लोग किडनैप कर ले और वो गन उनके पास चली जाए। और अगर ऐसा हो गया ना, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो गन बहुत खतरनाक है और फिर भाई सबको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट से एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं बाइकर गैंग के एरिया में और ट्रेवर को रोकते हैं। और भाई एक सेकंड, भाई ये गाड़ी भी ना कभी कभी इसमें ब्रेक ही नहीं लगते हैं। तो अभी हम लोग बाइकर गैंग के एरिया में पहुंचने वाले, और गाइस मेरे को धमाके की लगातार आवाजें आ रही है, मतलब ट्रेवर पक्का यहीं पे, और तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस। अबे ट्रेवर भाई क्या कर रहा है यार तू, अच्छा मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, मैं भूल गया था, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं ना गाड़ी में ही बैठ जाता हूँ जाके, ट्रेवर भाई मार ले यार, तू मार ले इनको यार, क्योंकि मुझे पता है ट्रेवर को मैंने रोका तो ये ना उल्टा मेरे ऊपर भड़केगा कि भाई मैं तो तेरे दुश्मनों को खत्म कर रहा हूँ और तू मुझे ही रोक रहा है। तो ट्रेवर मार ले भाई, जी भर के तेरे को जो करना है वो कर ले, मैं आराम से यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बार ये इन सबको खत्म कर दे, उसके बाद मेरे को प्यार से ये गन वापस मांगनी पड़ेगी। और एक सेकेंड गाइस, तेरी तो निकल यहाँ से, इसको तो मैं चटनी बना दूंगा गाड़ी से टूट टूट के। और एक सेकेंड यार, मेरे को ना मारने का मन कर रहा है इनको, तुम्हारी तो एक सेकेंड, मेरे पास भी ना लॉन्चर है, निकलो यहाँ से ये भाई, मेरे पास भी लॉन्चर। अबे ट्रेवर मुझे मत उड़ा देना भाई, देख कर तो इसे लॉन्च कर भाई, मेरे को ही खत्म मत कर देना। ओ एक सेकेंड, मेरी गाड़ी के कवर लेगा, निकल यहाँ से भाई, बैंग कर देख रहे हो, बंदे चारों तरफ बड़े हुए हैं और ट्रेवर यहाँ पे सबको बचाने में लगा पड़े। और एक सेकेंड, मेरे को RPG निकालने दो, वहाँ पे कुछ तेरी तो ऐसी की तैसी। और ये बाइक किसकी है भाई, क्या बोले, निकल यहाँ से, इसके तो मुंह पे RPG मार दी मैंने। ट्रेवर खत्म हो गए शायद यार सारे लोग। ओके, एक बार मैं चेक कर लूँ, सारे लोग खत्म तो हो गए ना, कैसा ना हो कि छुप कर कोई हमारे पर अटैक करना स्टार्ट कर दे। और ट्रेवर की ना बाइकर गैंग से देखो पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए ट्रेवर को जब भी पता लगता है कि बाइकर गैंग ने हमारी टीम में किसी भी बंदे को नुकसान पहुंचाया, ट्रेवर खुद यहाँ पे आके सबकी बैंड बजा के जाता है, फिर भी ये लोग मानते ही नहीं है भाई। एक सेकेंड ट्रेवर सारे खत्म हो गए भाई, ट्रेवर बस कर यार, बस कर। हेलो भाई, ट्रेवर मेरी
बात सुन यार, अगर ऐसे तू इस गन का यूज करेगा तो इसकी सारी बुलेट्स खत्म हो जाएंगी और जब हम लोग को इसकी गन की जरूरत पड़ेगी। अबे यार ट्रेवर भाई बहुत गुस्से में लग रहा है गाइस, बहुत गुस्से में लग रहा है ट्रेवर, इसको समझाना पड़ेगा। मैं जल्दी से इसको भाई ट्रेवर बात सुन भाई, हेलो ट्रेवर भाई बात सुन यार, कहाँ जा रहा है ट्रेवर, कहाँ जा रहा है? एक मिनट फटाफट से इसको रोकते हैं और जल्दी से ये गन वापस मांगते हैं। तो अभी मैंने फाइनली ट्रेवर से गन ले ली और ये काम इतना आसान नहीं था भाई, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा। पहले फटाफट से मैं गन को अंदर रखता हूँ। तो ट्रेवर पहले मेरे को मना कर रहा था, बोल रहा था कि उसको भी एक ऐसी गन चाहिए नहीं तो ये गन ना वो वापस नहीं करेगा। फिर मैंने ट्रेवर को समझाया कि अगर इस गन की बुलेट्स खत्म हो गई तो हमें आगे बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यार प्रेसिडेंट ने ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अभी तो उसे पता भी लग गया है कि यार हमारे पास एक स्पेशल वेपन है जो बहुत खतरनाक है, तो हो सकता है कि यार प्रेसिडेंट मिलिट्री कर्नल के साथ मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करे, इसीलिए हम लोग को इस गन को थोड़ा बचा के रखना है। तो ट्रेवर तू शांत हो जाओ। और वैसे ट्रेवर ने मेरे को बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया और एक ये काम क्या, अरे भाई ट्रेवर मेरी गाड़ी को यार टेस्ट करना बंद कर भाई, जा कहाँ रहा है, एक सेकंड जा कहाँ रहा है ट्रेवर, एक सेकंड मेरे को नहीं पता। ट्रेवर एक काम कर, तू मेरे साथ चल, इस बाइक को छोड़ मेरे साथ चल फटाफट से। बाकी ट्रेवर ने मेरे को एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है। ट्रेवर बोल रहा है क्यों ना हम लोग ऐसी बहुत सारी गन बना लें और अपनी पूरी की पूरी गैंग को बांट दे, इससे क्या होगा अगर हमारे पर अटैक होता है तो हमारी पूरी गैंग सबको खत्म कर सकती है। तो ट्रेवर तेरा आइडिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे लगता नहीं है कि यार कोई ऐसी गन बना सकता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ह्यूमन लैब चलते हैं, साइंटिस्ट से बात करके देखते हैं, शायद साइंटिस्ट इस काम में कुछ हमारी हेल्प कर पाए। तो ट्रेवर भाई, ट्रेवर अपनी बाइक से जाएगा। ओके ट्रेवर एक काम करते हैं, ह्यूमन लैब चलते हैं और मेरे साथ ही चलना। ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई। ट्रेवर मेरी गाड़ी के सामने मत आ जाना, नहीं तो तेरे को पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे को उड़ा दूंगा भाई। भाई रेस करने है क्या तेरे को? आ जा भाई, रेस कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। दूर दूर तक ना ये मेरे को दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि जो मेरी कार है ना भाई, वो कार ना मतलब चलती फिरती पूरी तबाही की मशीन है। और मैं ना सोच रहा हूँ कि अगर अब मैकेनिक के पास जाऊँ ना तो मैकेनिक से पता कर लूँ अगर अपनी कार के अंदर ना भाई मिनी गन वगैरह लग पाई तो मज़ा ही आ जाएगा। तो एक काम करते हैं फटाफट से भाई, ह्यूमन लैब की तरफ चलते हैं और चल के साइंटिस्ट से बात करके आते हैं। ट्रेवर ने वैसे काफ़ी बढ़िया आइडिया दिया है और अगर भाई साइंटिस्ट ने ऐसी बहुत सारी गन बना के दे दी ना, फिर तो भाई मतलब तबाही मचने वाली है लॉस सांटोस में। तो अभी हम लोग यार ह्यूमन लैब पहुँचने वाले हैं और भाई इस वाली गाड़ी से ना पूरे लॉस सांटोस में कहीं पे भी जाने में ना पता ही नहीं लगता है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज चलती है। बाकी पता नहीं ट्रेवर कार है क्या भाई, दूर दूर तक मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं एक काम करता हूँ ना, अपनी गाड़ी को मैं यहीं लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी तक ना मैंने साइंटिस्ट को भी कॉल नहीं किया है और भाई उसने बताया था कि ह्यूमन लैब में ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग सामने देख रहे हो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाले हैं। तो अभी मेरे को ना यहीं पे रुक के पहले ट्रेवर का इंतज़ार करना पड़ेगा, एक बार ट्रेवर आ जाए ना उसके बाद साइंटिस्ट को कॉल करते हैं, क्योंकि ट्रेवर का ना थोड़ा दिमाग का ऐसा ही रहता है। और एक सेकेंड, वो ऊपर से कौन आ रहा है? एक मिनट भाई, ये तो ट्रेवर ही कहाँ से आ रहा है भाई? हेलो, एक मिनट भाई, ट्रेवर कैसे बाइक चला रहा है यार, तूने मेरी गाड़ी में ठोक दिया लाके, और ये ऊपर से कहाँ आ रहा है? पक्का ये शॉर्टकट मार के आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेजी से आ गया था। तो ट्रेवर बात सुन, देख ऐसे डायरेक्ट हम लोग ह्यूमन लैब में नहीं जा सकते, इसीलिए मैं यहाँ पे तेरा इंतजार कर रहा था। यहाँ पे ना काफ़ी सिक्योरिटी हो गई है और अगर हम लोग डायरेक्ट चले गए ना तो दिक्कत हो। तू कहाँ जा रहा है भाई? एक मिनट, तुझे यहीं पे रहना है, मैं फटाफट से ना साइंटिस्ट को कॉल करता हूँ। एक मिनट, हाँ बाइक को साइड में लगा दे। एक मिनट भाई, ट्रेवर क्या कर रहा है यार, ये ना पक्का मैं पुलिस से पिटवाएगा। यहाँ देख रहे हो यार, ये बंदा हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है। ये देखो वहाँ सिक्योरिटी वालों से बातचीत कर रहा है। एक मिनट, ओके इसके जान पहचान के लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ इसको कुछ बोल नहीं रहे लोग। एक सेकेंड गाइस, यार इसने उनसे पंगे कर... अब यार इसको समझाना पड़ेगा, समझाना। अबे ट्रेवर बस कर यार, मार मत उन्हें, पुलिस वाले ना बुला ले यार, वो लोग अगर यहाँ पे पुलिस आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। और भाई इसने तीनों को निपटा दिया इतनी देर में, जितनी देर में मैं यहाँ पे आया। अबे यार इसको लाकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे। अबे ट्रेवर भाई मारना बंद कर इस बंदे को। और ये भाई यहाँ देखो, ये नहीं मारने वाला ये भाई, ये अपनी हरकतों से नहीं मारने वाला, ये ना ऐसी हरकतें करता रहता है। अभी कहाँ, एक सेकंड इसने भाई सबको खत्म कर दिया। मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ,
एक मिनट फटाफट से, मैं अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ भाई, मैं अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, और जल्दी से साइंटिस्ट को कॉल करते हैं और पता करते हैं कि यार वो कहाँ पे है, क्योंकि जल्दीबाजी में ना मैंने उसको कॉल ही नहीं किया है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ गए थे। तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट से गाड़ी को अंदर लगाते हैं। ये बस यार अंदर ना कुछ भाई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट ना कर दे, क्योंकि अंदर ना लैब में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इसीलिए हम लोग को ना लैब के अंदर नहीं जाना है, हम लोग बाहर रहकर इंतज़ार करने वाले हैं। और एक सेकेंड, ये ड्राइवर कहाँ है? एक मिनट, ये नीचे कहाँ जा रहा है? एक सेकेंड ट्रेवर, एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी वहाँ लगाता हूँ। ट्रेवर अंदर मत जा भाई, मत जा यार। एक मिनट यार, ये बंदा क्या कर रहा है सिक्योरिटी वालों के मुंह में घुस? हद है भाई, इसने ट्रेवर ने सर मार के उसे मार दिया। हद है भाई, ये बंदा मेरे को फंसाएगा, ये खुद भी फंसेगा और ये मेरे को ही फंसवाएगा। भाई ट्रेवर बस कर भाई, मैं साइंटिस्ट को बाहर बुला लेता हूँ, इनको मारना बंद कर। तो अभी हम लोग ने यार साइंटिस्ट को कॉल कर दिया और साइंटिस्ट बता रहे हैं कि यार वो अंदर लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो मैंने इसको बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट छोड़कर सीधे लैब के बाहर आ जाए, और उसको ना शौक लग गया है कि यार हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं। उसको पता नहीं है कि ड्राइवर ने सारे के सारे सिक्योरिटी वालों को मार दिया, इसीलिए वो थोड़ा सा डर रहा था और वो अभी सारे काम छोड़कर बाहर ही आ रहा होगा। बाकी ट्रेवर यार मेरी बात तो सुन लिया कर यार, हर किसी को मारना नहीं होता है, ये सिक्योरिटी वाले अपना काम कर रहे थे और तूने फालतू में इनको मार दिया। और यहाँ पे गाइस साइंटिस्ट भी आ चुका है। साइंटिस्ट यार, ये सिक्योरिटी वाले बंदों को ना यार ट्रेवर ने यहाँ पे देख रहा बेहोश कर दिया, ज़्यादा चोटें नहीं आए, बस बेहोश हुए हैं, कुछ ही देर में ये उठ जाएंगे। बाकी हम लोग ना यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आए हैं। ट्रेवर ने यार मेरे को एक आइडिया दिया है, जो हमारे पास स्पेशल गन है जो तूने बुलेट्स बना के दिया है, क्या तू ऐसा कर सकता है कि वैसी और भी बहुत सारी गन बना दे, ताकि मैं अपनी पूरी टीम को, अपनी गैंग को दे पाऊँ, और जब भी हमारे ऊपर अटैक वगैरह हो तो हम सबको खत्म। भाई एक बार ट्राई कर ले यार, एक बार गन को देख तो ले, एक बार ट्राई कर ले, क्या पता ऐसा काम हो जाए। भाई साइंटिस्ट सीधे मना कर रहा है, बोल रहा है ये बहुत बिजी है, ये कुछ काम ऐसा नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट यार एक बार देख तो ले भाई, शायद तू कर पाए यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, फटाफट से इसको गन देता हूँ। तो अभी मैंने साइंटिस्ट को यार गन दे दिया और साइंटिस्ट गन को अच्छे से देख रहा है। साइंटिस्ट बोल रहा है कि यार इस गन को बनाने में ना काफ़ी सारे मटेरियल यूज़ किए गए हैं, जो मटेरियल शायद ही लॉस सांटोस में मिलेंगे। तो ये गन को बना तो सकता है, पर मटेरियल इसको बाहर से मंगवाना होगा, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, साइंटिस्ट बोल रहा है कि यार ये काम वो यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे किया और अगर प्रेसिडेंट को पता लग गया तो प्रेसिडेंट भी अपने लिए गन बना सकता है। तो साइंटिस्ट ये चीज़ तूने बहुत बढ़िया की, तो बता यार फिर कहां पे करेगा, और मेरे को ना ऐसी बहुत सारी गने चाहिए जल्दी से जल्दी। तो अभी साइंटिस्ट बोल रहा है कि यार वो गन को बनाने का ट्राई तो कर लेगा, पर ये काम वो यहाँ नहीं करेगा, वो अपने घर पे करेगा। और इसको ना गन बनाने के लिए ये गन चाहिए होगी, तो गन अपने पास ही रखने वाला है, और ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है साइंटिस्ट, अभी वैसे हमें इस गन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो गन को अपने पास ही रख, पर यार थोड़ा सेफ रखना, क्योंकि इस गन को ना बहुत लोग चोरी करने आ सकते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट अभी चला गया, उसका काम हो चुका है। बाकी ट्रेवर फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और ट्रेवर ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग और भी गन तैयार कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात और लोगों को पता लग गई ना तो भाई दिक्कत हो सकती है। बाकी ड्राइवर एक काम कर यार, अपनी बाइक को छोड़ दे यहीं पे और फटाफट से मेरी गाड़ी में आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि यार ये दोबारा मेरे साथ रेस करे। अबे क्या कर रहा है भाई ड्राइवर, आ यार जल्दी। हद है भाई, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ड्राइवर, जल्दी निकलना पड़ेगा हमें यहाँ से। अबे जल्दी से आ जा यार। तो अभी मैं ड्राइवर को यार अपने साथ बैठने के लिए बुला रहा था, और तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई ये बंदा कहाँ बात सुनने वाला है यार, ये अपनी बाइक को लेकर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं यार, मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिक्योरिटी वाले उठकर पुलिस को बुला ले। तो फटाफट से अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। गाइस अगर साइंटिस्ट ने ना और भी बहुत सारी गन्स बना दी तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, हम लोग अपनी पूरी टीम को एक एक गन दे सकते हैं और पूरी गैंग को भी, फिर हम लोगों से कोई लड़ ही नहीं सकता यार, जो भी हमारे सामने आएगा हम एक एक को ख़त्म कर देंगे। तो गाइस अभी हम लोग साइंटिस्ट से मिलकर तो आ चुके हो, और अभी मैं जा रहा हूँ यार मैकेनिक के पास, क्योंकि इस गाड़ी का ना कलर चेंज कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जहाँ से भी इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ ना, सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी ना आजकल न्यूज़ में हर जगह लॉस सांटोस में फैली हुई है। इस गाड़ी से हम लोग ने काफ़ी तबाही जो मचाई है, तो अभी मेरे को गाड़ी को ना चुपचाप से मैकेनिक के यहाँ लगाना है। मैं इसे अंडरग्राउंड नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिक इस गाड़ी का कलर चेंज कर देगा। पहले तो मैंने मैकेनिक से बोल दिया है कि गाड़ी को ना भाई पूरा ब्लैक करके देख ले,
अगर ब्लैक में बढ़िया लगती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अलग अलग कलर चेंज करके देखते रहेंगे। बाकी तुम लोग यार इसकी स्पीड देख रहे हो यार, मतलब क्या जबरदस्त भाग रही है। और अभी हम लोग गाड़ी को भगाते भगाते पहुंच चुके हैं पलीटो पे, और यहीं पे अपना मैकेनिक है मैं बातचीत करके ही गया था। वैसे लॉस सांटोस में अपना कस्टम वाला है, पर ये काम मैं वहाँ नहीं करवा सकता, तो इसलिए मेरे को यहीं करवाना पड़ेगा। ओके तो गाइज यहाँ पे मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा, एक काम करते हैं पहले गाड़ी को अंदर लगाते हैं, फटाफट से चल के मैकेनिक से बात करते हैं, और अभी मैं उसको बोल दूंगा कि यार जल्दी से जल्दी, मतलब जितना भी टाइम लगे बस गाड़ी का कलर चेंज कर दे। तो ये रहा मैकेनिक। और मैकेनिक भाई क्या चाल है तेरे, और यहाँ तुम लोग देख रहे हो ये गाड़ी रिपेयर भी कर रहा है। तो मैकेनिक मैं तेरे से यार कुछ दिनों पहले बात करके गया था यार, मेरे को अपनी गाड़ी का कलर चेंज कराना है, तो फाइनली यार मैं लेकर आ चुका हूँ। और यार देख सबसे पहले ना मेरे को ब्लैक कलर चाहिए, देख ब्लैक कलर कैसा भी लगे एक बार करके देख ले, और हाँ मेरे को यार फोटो भेज देना अगर मेरे को बढ़िया लगता है तो मैं करा लूंगा, अगर नहीं लगता है ना तो फिर अलग अलग कलर देखना है, या तो रेड कलर यार, मतलब जो भी सबसे बेस्ट कलर लगे मुझे वो कलर चाहिए। ओके बात समझ में आ गई ना। पैसे की कोई टेंशन मत ले, अपने ऑनर से भाई मेरा नाम ले लेना, वो बता देगा कि यार मैं कौन हूँ। बाकी मेरे को जल्दी से जल्दी गाड़ी चाहिए, मतलब अगर मेरे को आज मिल गई ना तो भाई बहुत ही सही होगा, तो अभी से लग जा, चाहे और बंदों को बुला ले, पर गाड़ी को बढ़िया से कलर करके पॉलिश कर देना। बाकी मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ और मेरे को यार गाड़ी का इंतजाम करना ही पड़ेगा। ओके बाहर एक गाड़ी खड़ी है, क्यों ना इसको उठा के चले। ओके तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसी गाड़ी को उठा लेते हैं। और हाँ मैंने ट्रेवर को अपनी टीम के पास भेज दिया, ट्रेवर पहले मेरे पीछे ही आ रहा था, फिर मैंने ट्रेवर को बोला कि यार टीम के पास है उन्हीं के साथ रहे, तो ट्रेवर तो चला गया होगा लेस्टर के पास। एंड मैं फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से, सीधे लेस्टर के पास चलते हैं और चल के लेस्टर से बात करते हैं। और भाई हद यहाँ देख रहे हो अंकल, मॉन्स्टर ट्रक चला रहे तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई, सीधे लाग कर ही चढ़ा दिया। लॉस सांटोस की पब्लिक भी ना भाई कुछ भी करती रहती है, और खासकर इस साइड के लोग जो किसी से नहीं डरते। मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी गाड़ी चला रहा था, सीधे गाड़ी ऊपर ही चढ़ा दी। तो अभी यार मैं अपनी टीम के पास जा रहा था, और गाइस मेरे पास इंडियन डॉन का कॉल आया। तो इंडियन डॉन बता रहे हैं कि यार वो लॉस सांटोस सिटी वापस आ चुका है और वो माइकल से मिलना चाहता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं भी तेरे से मिलना चाहता हूँ और तू मेरे से बहुत टाइम से गुस्सा है, तो मिलकर यार बात करते हैं। तो इंडियन डॉन ने बोला कि यार अभी ना वो एलेक्स के घर पर है, तो माइकल फटाफट से वहाँ पर आ जाए। और गाइस मैं एलेक्स के घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले ना यार इंडियन डॉन से बात करते हैं, उसे समझाते हैं और उसे अपनी टीम के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि यार वो मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार वो मुसीबत में पड़ जाए। हाँ मेरे को पता है कि यार वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पर मैं उसे समझा दूंगा, अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी और मेरे को पता ही नहीं था कि यार वो है कहाँ पे, पर अभी मेरे को पता लग गया है कि यार वो एलेक्स के घर पे। और गाइस ये रहा एलेक्स का घर, फटाफट से चलते हैं और चल के इंडियन डॉन से बात करते हैं। एक सेकेंड, ओके तो गाइस यहाँ पे रेंज रोवर भी खड़ी है, ये भी शायद एलेक्स की है। भाई अभी तक ये एलेक्स की कार को चला रहा है, मेरे को लगता है ये एलेक्स को बहुत मिस करता है। वैसे मिस तो यार देखो हम सभी लोग करते हैं, पर इंडियन डॉन बहुत ज़्यादा मिस करता है, भाई उसका भाई था इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो अभी फटाफट से उससे बात करते हैं, पता करते हैं कि आखिरकार उसको मेरे से बात क्या करनी है। ये रहा इंडियन डॉन। इंडियन डॉन भाई क्या हाल चाल है तेरे, फटाफट से बात करते हैं कि यार ये इतने टाइम से था कहाँ पे और ये मेरे से नाराज क्यों है। तो गाइस अभी मेरी इंडियन डॉन से यार बातचीत हो गई, और इंडियन डॉन आज बहुत ज़्यादा सैड है और मैंने पहली बार उसे इतना इमोशनल देखा है। तो इंडियन डॉन बोल रहा है कि यार वो हमेशा के लिए लॉस सांटोस छोड़ के जा रहा है और वो कभी दोबारा लॉस सांटोस नहीं आएगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, लॉस सांटोस से क्यों जा रहा है। तो इंडियन डॉन बता रहा है कि अगर वो लॉस सांटोस में रहता है तो अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस करेगा, और अगर अपने भाई को मिस करेगा तो उसे माइकल पे गुस्सा आएगा, क्योंकि इंडियन डॉन को लगता है कि उसके भाई
की मौत मेरे वजह से हुई है, पर इंडियन डॉन मैंने उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, और ये तेरे को भी पता है कि मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था, मैं उसे कभी नहीं मरने देता, ये सब प्रेसिडेंट का प्लान था, और तू टेंशन ना ले, प्रेसिडेंट को मैं जरूर खत्म करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दे यार, अगर हम लोग ने डायरेक्ट उसे मार दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, और लॉस सैंटोस छोड़ के मत जा यार, हमारी टीम को तेरी जरूरत है, अगर तू चला गया तो हमारी टीम खत्म। भाई ये मेरे को लगता है मानने वाला नहीं है, इसने भाई फैसला ले लिया है। इंडियन डॉन मेरे को तू ये बता कि मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है, ये मेरे से बहुत नाराज है गाइस, सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है, बार बार देख रहा अपना फेस घुमा ले रहा है, तो मैं इससे पता करता हूँ कि इसने मेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों था। तो अभी इंडियन डॉन बता रहा है कि यार माइकल को उसने यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि इंडियन डॉन अभी भी माइकल को अपना दोस्त मानता है। तो इंडियन डॉन बोल रहा है कि मेरे को बस एक माइकल से फेवर चाहिए, वो एलेक्स के घर को सेफ रखना चाहता है, इसीलिए माइकल एलेक्स के घर का ध्यान रखे और एलेक्स की कार का भी। तो इंडियन डॉन तू टेंशन ना ले, इस घर की मैं बहुत ज्यादा केयर करूंगा, घर पे एक स्क्रैच भी नहीं आएगी, घर और कार की तू टेंशन मत ले, पर लॉस सैंटोस छोड़ के मत जा। तो अभी मैंने इंडियन डॉन को यार काफ़ी ज़्यादा समझाया कि यार लॉस सैंटोस छोड़ के ना जाए यार, हमारी टीम को तेरी ज़रूरत है, पर इंडियन डॉन समझने को तैयार ही नहीं है, वो बोल रहा है कि अगर वो लॉस सैंटोस में रहा तो वो माइकल के साथ पता नहीं क्या कर बैठेगा, उसको भी नहीं पता है क्योंकि माइकल के वजह से उसका भाई मरा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो लॉस सैंटोस कभी आता ही नहीं तो एलेक्स जिंदा रहता। तो मुझे लगता है कि यार कुछ टाइम के लिए ना इंडियन डॉन का यहाँ से जाना ही ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इंडियन डॉन, अभी तू चले जा, जब भी तेरा मन होगा लॉस सैंटोस वापस आ जाना। मैं एक काम करता हूँ, तेरे को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, एयरपोर्ट से एक बाइक, एयरपोर्ट भी कैसे जाएगा फिर मेरे को बता, एक सेकेंड। ओके तो यहाँ पे ओके तो गाइस तुम लोग देख सकते हो नीचे इसने भाई प्राइवेट प्लेन खड़ा कर रखा है, ये शायद इसी प्लेन से इंडिया जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं भाई इंडियन डॉन, आ मैं तेरे को प्लेन तक छोड़ देता हूँ, फटाफट से मेरी गाड़ी में बैठ। बाकी गाइस इंडियन डॉन ने इस घर और इस गाड़ी की केयर करने को मेरे को रखा है, तो मेरे को इस घर की केयर करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी जाए, एंड एक सेकेंड वो रेंज रोवर लेकर जा रहा है क्या, एक मिनट नहीं नहीं ओके तो इंडियन डॉन ने रेंज रोवर यहाँ खड़ी कर दिया है। तो गाइस आज से इस रेंज रोवर को ना मुझे भाई अपनी जान से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और इस घर को भी, अगर घर को कुछ हो गया, रेंज रोवर को कुछ हो गया, तो भाई माइकल इंडियन डॉन को कभी अपना फेस भी नहीं दिखा पाएगा। तो गाइस घर और गाड़ी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इंडियन डॉन को भाई उसका प्राइवेट प्लेन तक छोड़ देता हूँ, और मैं जाके अपनी टीम को बता दूंगा कि यार इंडियन डॉन हमेशा के लिए इंडिया वापस जा चुका है और वो लॉस सैंटोस कभी भी नहीं आएगा। बाकी मैं अपनी टीम को अभी नहीं बताने वाला, नहीं तो सारे लोग यार इसको रोकने आएंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ कि यार ये अभी यहाँ पे रुके, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर ये ऐसा ही रहेगा तो अपने आप को मुसीबत में डाल सकता है। तो गाइस तुम लोग यहाँ देख सकते हो इसने एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रखा है, तो इसको लास्ट टाइम यहाँ पे भाई बाय बाय बोलते हैं। ओके इंडियन डॉन अपना ध्यान रखना, और जब भी भाई माइकल की हेल्प पड़े तो मेरे को बस एक कॉल कर देना। तो अभी अपन लोग यहाँ पे भाई खड़े होकर इसको जाते हुए देखते हैं। गाइस सही में मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार ये लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा है, क्योंकि इस बंदे ने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, कई बार अपनी जान जोखिम में डाली और माइकल की जान बचाई, पर मैं इसे अभी रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसको लगता है कि यार इसके भाई की जान मेरे वजह से गई है। पर आप लोग को भी पता है कि यार मैंने उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, हॉस्पिटल भी हम लोग टाइम से लेकर गए, पर हम उसे बचा नहीं पाए, पर जिसने भी उसे ख़त्म किया है उसका बदला तो हम लोग लेकर रहेंगे, और मैं भाई प्रेसिडेंट को छोड़ूंगा नहीं। बाकी एक काम करते हैं फटाफट से, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधे चलते हैं अपनी टीम के पास, और चल के मैं उन लोगों को बताता हूँ कि इंडियन डॉन हमेशा के लिए इंडिया वापस जा चुका है, और अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि रेंज रोवर को यहीं पे रहने देते हैं, कुछ ही देर में यहाँ पे मैं सिक्योरिटी वगैरह भेज दूंगा ताकि एक घर और रेंज रोवर हमेशा के लिए सेफ रहे। भाई इस घर को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो इंडियन डॉन सही में अभी मेरे को छोड़ेगा नहीं, भाई मेरी बैंड बजा देगा, वो मेरे से बहुत नाराज़ है। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चल के अपनी टीम को सारी बातें बताते हैं। तो अभी यार मैं सैंडी शोर्स पहुँच चुका हूँ, और अभी मैं अपनी टीम के पास जा रहा था, पर मेरे पास लेस्टर का कॉल आया, और लेस्टर बता रहा है कि यार वो सैंडी शोर्स वाला जो बार है ना वहाँ पे आया किसी काम से, तो माइकल वहीं पे आ जाए। तो मैंने इसको बोला कि यार मेरे को भी देर से एक ज़रूरी बात करनी थी, तो फटाफट से चलते हैं लेस्टर से मिलते हैं, पहले तो पता करेंगे कि यार आखिरकार यहाँ बार पे करने क्या आया है, और मेरे को से इंडियन डॉन के भी बारे में बता रहे हैं कि इंडियन डॉन हमेशा के लिए लॉस सैंटोस छोड़ के जा चुका है। ओके तो गाइस येरा बार पे तो कोई नहीं है, पर एक सेकंड ये तो अपना बॉडीगार्ड है ना,
और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ओके, तो मुझे लगता है जरूर लेस्टर के साथ आया होगा सिक्योरिटी के लिए। तो बॉडीगार्ड लेस्टर कहाँ पे है? मेरे को उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। ओके, तो ये अभी मेरे को लेस्टर के पास लेकर जा रहा है। ओके, बहुत सही बॉडीगार्ड, काफी बढ़िया काम कर रहा है कि यार लेस्टर को सिक्योरिटी दे रहा है। पर एक सेकंड, ये यहाँ पे किसी गैंग के बंदे से बात कर रहा है, जरूर लेस्टर को कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसीलिए यहाँ पे आए। तो फटाफट से चलते हैं, लेस्टर से बात करते हैं। तो अभी लेस्टर यस बंदे से बातचीत कर रहा था और मैंने इन दोनों की बातचीत सुनी तो मेरे को पता लगा है कि यार जो ये बंदा है ना, ये बंदा मिलिट्री की तरफ किसी शॉप पे काम करता है और इसने आज मिलिट्री के अंदर काफी ज्यादा फोर्स को जाते हुए देखा है। ये बता रहा है कि यार अंदर काफी सारी गाड़ियां गई है, काफी सारे नए टैंक आए हैं, तो इसको लगता है कि शायद मिलिट्री वाले लॉस सांटोस पे अटैक करने वाले हैं। तो लेस्टर को इसने इन्फॉर्मेशन तो दे दी और ये देखो पता नहीं कहाँ पे भाग गया। तो लेस्टर बोल रहा है कि यार मिलिट्री वाले जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं और वो लॉस सांटोस पे नहीं भाई, माइकल के खिलाफ कोई प्लान बना रहे होंगे प्रेसिडेंट के साथ मिलकर। तो हम लोग को थोड़ा संभल के रहना होगा। बाकी लेस्टर को एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है व्हाइट हाउस पे और उसने हर एक जगह ये अनाउंस कर दिया है कि सारे लॉस सांटोस के लोग भाई व्हाइट हाउस पहुंच जाए। थोड़ी देर में वहां पे एक अनाउंसमेंट होने वाली है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेस्टर बोल रहे हैं पता नहीं ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट है, हम लोग को जरूर पता करना चाहिए वहां पे जाके। तो लेस्टर यार ये थोड़ा रिस्की काम नहीं हो जाएगा, हम लोग व्हाइट हाउस पे अगर जाते हैं और किसी को भी पता लग गया तो बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा। और बाकी यार बाकी सारी बातें छोड़, मैं तेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी और बहुत ज्यादा सैड भी है। यार इंडियन डॉन हमेशा के लिए लॉस सांटोस सिटी छोड़ के जा चुका है और ये हमारे लिए यार बहुत ही बुरी चीज है क्योंकि इंडियन डॉन हमारी टीम का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा था। उसके वजह से हम लोगों ने काफी सारे लोगों को खत्म किया, काफी सारे लोग डरते भी थे, पर अब इंडियन डॉन जा चुका है और हमारी टीम अभी काफी वीक हो गई है। यार बॉडीगार्ड अब मैं तेरे को समझा नहीं सकता यार, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। हाँ मेरे को पता है यार मुझे उसे रोकना चाहिए था, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो बहुत गुस्सा हो गया था जब मैंने उसे रोका। तो अभी इंडियन डॉन जा चुका है, अभी हमें जो भी काम करना होगा उसके बिना ही करना होगा। बाकी लेस्टर बता फिर हमें करना क्या है, कैसे पता लगा है कि भाई प्रेसिडेंट क्या अनाउंसमेंट कर रहा है? तो लेस्टर बोल रहा है कि यार एक काम कर, माइकल और बॉडीगार्ड व्हाइट हाउस की तरफ जाए और पता लगाने की कोशिश करे कि यार वहां पे क्या अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि व्हाइट हाउस में ना यार बॉडीगार्ड के काफी सारे जान पहचान के बंदे काम करते हैं, तो अगर हम लोग वहां पे जाते हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं तो शायद हम लोग को पता लग जाए। बाकी लेस्टर बोल रहा है कि यार वो मिलिट्री के बारे में पता करेगा यहीं पे रह के, तो कोई दिक्कत नहीं है लेस्टर, अपना ध्यान रखना और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मेरे को सीधे कॉल कर देना। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि लेस्टर के पास ना ट्रेवर को भेज दिया जाए और कौन सी गाड़ी में चले, मेरे को वैसे ये एसयूवी ज्यादा बढ़िया लग रही है, तो एक काम करते हैं ना इस वाली गाड़ी में चलते हैं, लेस्टर दूसरी गाड़ी ले जाएगा। फटाफट से बॉडीगार्ड बैठ जा, अबे आगे आके बैठ जाएगा यार, मैं नहीं तो तेरा ड्राइवर लगता हूँ। हद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग को कैसे भी व्हाइट हाउस की तरफ जाना पड़ेगा, व्हाइट हाउस से ना हम लोग थोड़ी दूरी पे रहेंगे एंड किसी को ना कॉल करके पता करेंगे। वैसे कोई भाई फोन पे बताएगा नहीं पर हम लोग बोल देंगे कि भाई फोन बस उठा ले, बाकी जो भी वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी हम लोग वैसे ही सुन लेंगे। पर वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है भाई, पता करना है कि प्रेसिडेंट आखिरकार ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है जो उसने इतनी जल्दी सबको बुला लिया है। मतलब सारे के सारे रिपोर्टर्स VIP सारे वहीं पे होंगे, तो अपने को पता तो करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट आखिर करना क्या चाहता है। We'll be right back.
तो अभी हम लोग यार व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। बाकी बॉडीगार्ड यार अभी थोड़ा सा संभल के रहना होगा क्योंकि यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो सकती है। प्रेसिडेंट ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए सबको बुला रखा है। बाकी तुम लोग यहाँ देख रहे हो ये वाला तो रोड ही ब्लॉक कर रखा है, मतलब प्रेसिडेंट ने ना भाई पूरी तैयारी कर रखी है। तो मुझे ना इस वाली गाड़ी के पीछे पीछे आराम से जाना है, मैं भी जल्दबाजी नहीं कर सकता, आगे बहुत ज़्यादा पुलिस हो सकती है और अगर उन लोगों ने मेरे को पहचान लिया तो गाइस गड़बड़ी हो जाएगी। आगे राइट से एक शॉर्टकट है जहाँ से हम लोग व्हाइट हाउस जल्दी जा सकते हैं, पर मेरे को देखना पड़ेगा। और एक सेकेंड गाइस, तुम लोग सामने देख रहे हो वहाँ पे मिलिट्री के बंदे खड़े हुए हैं और ये तो आराम से गाड़ी लेकर चला गया, बट अगर मैं जाता हूँ तो वो लोग पहचान ना ले। एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा आराम से जाना है। ओके सो गाइस, तुम लोग यहाँ देख सकते हो जो राइट में शॉर्टकट है ना यार, वहाँ पे भी मिलिट्री खड़ी हुई है एंड सामने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। तो पहले मेरे को आराम से बैक जाना पड़ेगा, शायद उन लोगों ने मेरे को देखा नहीं है। ओके आराम से पीछे गाड़ी मोड़ो, जल्दी से पीछे निकलते हैं, कोई और रास्ता देखना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ता तो पूरा का पूरा बंद है। पर मैं चाहता नहीं हूँ कि यार यहाँ पे मिलिट्री वाले मेरे को देख ले, नहीं तो मिलिट्री हमारे पीछे पड़ जाएगी और बहुत दिक्कत हो सकती है। एक सेकेंड यार, यहाँ पे ना एक रास्ता है तो एक बार इससे ऊपर चल के देखते हैं। ये वाला रास्ता भी शायद हम लोग आराम से व्हाइट हाउस तक हमें लेकर जा सकता है। ओके यहाँ तो मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा, बहुत सही। तो अपन लोग एक काम करते ना, इस वाले रास्ते को पकड़ते हैं और आराम आराम से ऊपर के साइड चलते हैं, ये चीज़ एकदम सही रहेगी। ओके बहुत सही है, मतलब ऊपर आ चुके। और बॉडीगार्ड तू गाड़ी के अंदर ही रहना, मैं गाड़ी से उतरूंगा क्योंकि अगर तेरे को किसी ने पहचान लिया ना तो सीधे डायरेक्ट शूट कर देंगे। और एक सेकंड गाइस, ये रास्ता यहाँ ब्लॉक। एक सेकंड, तुम लोग सामने देख रहे हो यहाँ पे भी पुलिस खड़ी हुई है यार, वो भी दो दो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है एंड एक बंदा तुम लोग देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है। और अगर हम लोग को आगे गाड़ी ले जानी है तो हम लोग को ये वाले बैरियर हटाने होंगे और इन्हें हटाना एकदम मुश्किल है भाई। ये वाली गाड़ी, अरे भाई बॉडीगार्ड क्या कर रहा है गाड़ी के अंदर बैठ जाके, भाई पंगा हो जाएगा अगर किसी ने देख लिया। एक काम करते हैं, इस फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, कोई और रास्ता देखना पड़ेगा व्हाइट हाउस तक जाने का। वैसे व्हाइट हाउस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, या फिर एक काम करते हैं हम लोग अपनी गाड़ी ना यहाँ साइड में लगा देते हैं, यहाँ पे गाड़ी को यहाँ छुपा देते हैं और यहाँ से पैदल चलते हैं क्योंकि आसपास ना यार देखो बहुत ज़्यादा बंदे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार किसी की भी नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए। ओके बॉडीगार्ड थोड़ा संभल के रहना क्योंकि ऊपर मेरे को मिलिट्री वाले नज़र आ रहे गाइस। तुम लोग वहाँ देखो, वो देख रहे हो स्नाइपर खड़ा है यहाँ पे मिलिट्री का, यहाँ पे भी खड़ा है, वो तेरी ऊपर भी खड़े हुए हैं। अच्छा हम लोगों ने वो वाला रास्ता नहीं पकड़ा, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते। एक सेकंड बॉडीगार्ड कहाँ पे? एक सेकंड, बॉडीगार्ड को शायद कोई शॉर्टकट पता है। बॉडीगार्ड तेरे को कोई शॉर्टकट पता है क्या व्हाइट हाउस जाने का? एक मिनट। ओके तो इसको कोई और रास्ता पता है व्हाइट हाउस जाने का, क्योंकि यार ये ना व्हाइट हाउस पर ही रहता था, काम वगैरह यहीं कर रहा था, तो ये मेरे को शायद वहाँ तक ले जा सकता है। ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको फॉलो करते हैं, ये अपने को व्हाइट हाउस तक ले जाएगा। तो अभी जल्दी जल्दी यार आगे चलते हैं। भाई बॉडीगार्ड तो आगे जा चुका है, तुम लोग वहाँ देख रहे हो बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा तेजी से आगे जा रहा है। ओके बॉडीगार्ड थोड़ा संभल के जा यार, किसी की भी अगर नज़र पड़ जाती है ना तो हम दोनों पे गोलियाँ चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके कहाँ गया बॉडीगार्ड? एक सेकेंड भाई सामने मेरे को, एक सेकेंड बॉडीगार्ड आराम से, भाई सामने एक शॉर्ट का बंदा खड़ा हुआ है। एक मिनट गाइस। ओके तो गाइस हम लोग व्हाइट हाउस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, बहुत सही, हम लोग को बहुत ज़्यादा आराम से जाना है। ओके बॉडीगार्ड मैं काम करता हूँ, वहीं पे आता हूँ। व्हाइट हाउस के ऊपर मेरे को सिक्योरिटी नज़र आ रही है, स्नाइपर्स खड़े हुए हैं। भाई अगर स्नाइपर्स ने हम लोग को देख लिया तो दूर से ही हेडशॉट मार देंगे, तो थोड़ा संभल के रहना होगा। ओके बहुत सही। ओके तो बहुत सही, हम लोग व्हाइट हाउस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हो। और गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे चारों तरफ प्राइवेट सिक्योरिटी नज़र आ रही है एंड वो रहा सामने प्रेसिडेंट जो यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट में अनाउंसमेंट करने वाला है एंड यहाँ सिर्फ मेरे को मीडिया के बंदे नजर आ रहे हैं। ओके तो गाइज यहाँ पे कोई वीआईपी या फिर कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है क्योंकि भाई इसने लाइव टेलीकास्ट चला रखा है, चार चार कैमरे नजर आ रहे हैं, चारों कैमरे से पूरे लॉस एंटोस में पता नहीं क्या यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करने वाला है। ओके भाई बॉडीगार्ड इतना आगे मत जा यार, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी है और अगर उनको शक हो गया तो सीधे हमें यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे शॉर्ट के बंदे हैं, मिलिट्री वाले भी हैं, बस किलर कमांडोज मेरे को नज़र नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारे के सारे किलर कमांडोज को ही ख़त्म कर दिया। बाकी ये चीज़ें एकदम ठीक है, यहाँ पे हम लोग छुपकर इसकी अनाउंसमेंट सुनते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या बोल रहा है।
सो अभी यार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं, करीब 20 मिनट से हम लोग यहीं पे थे, बाकी अभी मेरे को यहाँ से चलना पड़ेगा। बॉडीगार्ड फटाफट से यहाँ से निकल, इससे पहले इन लोगों को पता लग जाए। ओके तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। बाकी यार प्रेसिडेंट ने ना बहुत ही तगड़ी अनाउंसमेंट की है और अच्छा रहा हम लोग यहाँ पे आ गए। तो प्रेसिडेंट ने भाई सारी पब्लिक के सामने माइकल को लॉस सांटोस का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दिया है। उसने बताया कि यार माइकल लॉस सांटोस के प्रिजन से बाहर आ गया था एंड बाहर आकर भाई उसने प्रेसिडेंट के घर पे अटैक किया, प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की ताकि वो लॉस सांटोस का प्रेसिडेंट बन जाए। लॉस सांटोस में अभी सारे लोग माइकल को हेट करेंगे और माइकल को देखते ही भाई शूट करने का ऑर्डर दे दिया है। और सबसे खतरनाक चीज तो ये हुई है कि माइकल और माइकल की टीम को जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ पाएगा उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो गाइस ये बात तो हमें अपनी पूरी टीम को बतानी पड़ेगी। और यहां तुम लोग देखो यार बॉडीगार्ड का पैड स्लिप हो गया यार, थोड़ा संभल के आ भाई कि ऐसा ना हो कि यार यहीं पे तेरे हाथ पैर टूट जाए। तो फटाफट से हमें गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस ये चीज बहुत खतरनाक हुई है क्योंकि अभी तक लॉस सांटोस की पब्लिक को पता नहीं था कि यार मैं प्रिजन से बाहर आ गया हूँ। पुलिस वाले यार इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे बट अभी प्रेसिडेंट ने ये चीज सबको बता दी है। मतलब जो भी मेरे को देखेगा वो तुरंत समझ जाएगा कि यार ये माइकल ही है और वो पुलिस को कॉल कर देगा। तो यार ये चीज हमारे लिए काफी खतरनाक हो गई है। बाकी अभी मुझे खतरा नहीं है, मेरी पूरी टीम को ही खतरा है क्योंकि लॉस सांटोस की पब्लिक को गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा माइकल की टीम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हमें यार सबको ये बात बतानी पड़ेगी। फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और एक सेकेंड यार गाड़ी को लगाया कहाँ था यार, देखो तो गाड़ी नजर नहीं आ रही, किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। एक सेकंड, नहीं 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 यहाँ पे खड़ी है गाड़ी। बॉडीगार्ड फटाफट से गाड़ी में बैठ, अभी ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, जल्दी से जल्दी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके बहुत सही। तो गाइस नीचे मेरे को एक रास्ता नजर आ रहा है, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं एंड ये रास्ता मेरे को सीधे भाई लेकर जाएगा फ्रैंकलिन की घर की तरफ एंड वहाँ से हम लोग सैंडी शोर्स भागने वाले हैं क्योंकि सैंडी शोर्स के लोग फिर भी माइकल को एक बार धोखा नहीं देंगे पर लॉस सांटोस का तो कोई भी आसानी से धोखा दे सकता है। एंड वहाँ देखो दो लोग खड़े हुए हैं। ओके ये लोग देख ना ले, जल्दी से गाड़ी भगाने रहे भाई और भी लोग। एक सेकंड गाइस रास्ता ब्लॉक है, ये यहाँ से भागना पड़ेगा। एक सेकंड जल्दी निकलना पड़ेगा यार, ये चीज़ तो हमारे लिए भाई दिक्कत दे सकती है। अभी हम लोग सिटी की तरफ से जा रहे हैं। ओके अभी मैं गाड़ी कहीं नहीं रोकने वाला हूँ, अगर कोई भी मेरे सामने आया मैं सीधे उसको उड़ा के यहाँ से निकल जाऊँगा। और गाइस तुम लोग क्या देख रहे हो, एक मिनट भाई ये उठ ना जाए, एक सेकेंड इसकी तो ऐसी की तैसी भाई, इसको मारना पड़ेगा, निकल यहाँ से भाई। ये बंदा रोड के बीचों बीच क्या कर रहा था भाई, सिक्योरिटी वाला मेरे को नहीं पता। ओके तो ये रोड को ब्लॉक करके खड़ा था, आगे और भी बंदे हो सकते हैं। मैं काम करता हूँ गाइस, मैं आगे के साइड नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से शॉर्टकट मारता हूँ। ओके बहुत सही, यहाँ मेरे को थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि ये रास्ता सिटी की तरफ भी जाता है। पर अपने को यहाँ से घूमते घूमते सैंडी शोर्स की तरफ यार भागना ही पड़ेगा क्योंकि ये जगह अपने लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो मैं अभी यार सैंडी शोर जा रहा था और मेरे पास यार मैकेनिक का मैसेज आ गया और मैकेनिक बोल रहे हैं कि यार माइकल की गाड़ी ना कुछ ही देर में रेडी हो जाएगी तो माइकल उसे लेने आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार सैंडी शोर जाने से पहले क्यों ना यार अपनी कार ली जाए क्योंकि मेरी कार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं गाड़ी में रहूँगा तो मैं एकदम सेफ रहूँगा, चाहे मिलिट्री पीछे पड़े चाहे भाई लॉस सांटोस की सारी फोर्स पड़ जाए, पर मेरी गाड़ी में मेरे को कुछ नहीं होने वाला। तो सारे काम छोड़ के पहले गाड़ी लेकर आते हैं। और इस मैकेनिक ने तो यार कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर दिया, 3-4 घंटों में पूरी गाड़ी रेडी कर दी। तो फटाफट से चलते हैं और चल के यार अपनी कार लेकर आते हैं। तो अभी हम लोग यार प्लेटो पे पहुँचने वाले हैं, फटाफट से चल के यार अपनी गाड़ी उठाते हैं। और मेरे को ना पूरा रास्ता घूम कर आना पड़ा भाई, मैं हाईवे से नहीं आया, अगर हाईवे से आता ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती थी पुलिस की, इसीलिए ना मैं पूरा ऑफ रोडिंग करते करते भाई प्लेटो पे आया हूँ। यहाँ पे आने में बहुत टाइम लग गया पर कोई दिक्कत नहीं यार, अपनी गाड़ी एकदम नई जैसी हो गई होगी। वैसे मेरे को पता नहीं है उसने कलर कौन सा किया, मैंने वैसे उसे ब्लैक बोला था कि ब्लैक कलर कर देना और एक काम करते ना इस वाली गाड़ी को साइड में लगा देते हैं एंड फटाफट से मैकेनिक से चल के मिलते हैं। बॉडीगार्ड फटाफट से आ जा। ओके जल्दी से अपनी गाड़ी लेते हैं भाई, मैं ब्लैक कलर में उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक सेकंड गाइस मेरी गाड़ी कहाँ पे है, एक मिनट मैकेनिक यहाँ है क्या, यहाँ पे भी नहीं है। एक सेकंड गाइस यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है। एक बार बॉडीगार्ड पीछे जाके देख, पीछे गाड़ी खड़ी है क्या, एक मिनट पीछे जाके चेक कर क्या, मैं आगे देखता हूँ भाई, ना मैकेनिक नज़र आ रहे हैं ना गाड़ी नज़र आ रही है, गाड़ी गई तो गई कहाँ। मैकेनिक ने मेरे को काफ़ी देर पहले मैसेज करके बोला था कि गाड़ी एकदम रेडी होने वाली है, माइकल जल्दी से आ जाए। और अभी मैं
बॉडीगार्ड पीछे क्या गाड़ी? भाई गाड़ी पीछे भी नहीं है यार, बॉडीगार्ड मना कर रहा है। एक काम करता हूँ, फटाफट से मैकेनिक को कॉल करता हूँ, पता करता हूँ गाड़ी कहाँ गई भाई। सो अभी मैंने मैकेनिक से यार फोन पे बात कर ली, और मैकेनिक बोल रहा है कि यार वो ना भाई पेट्रोल पंप के पास ही है। मैंने उसको बोला कि यार मेरी गाड़ी कहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कि यार अचानक से एक बंदा आया हरे कलर की ड्रेस में, और उसने भाई मेरे पे अटैक कर दिया, गन निकाली और कार चोरी करके ले गया। भाई हरे कलर की ड्रेस में कौन आया होगा? ग्रीन गैंग में से कोई बंदा तो नहीं था ना? एक मिनट मेरे को फटाफट से चल के, भाई वो खड़ा है वहां पे, भाई ये यहाँ क्या कर रहा है? एक सेकंड भाई मैकेनिक मेरे को दोबारा से सारी चीजें बता। तो अभी मेरी मैकेनिक से यार बात हो गई है, मैकेनिक बोल रहा है कि यार उसने ना गाड़ी का कलर चेंज कर दिया था और वो कई घंटों से इसी काम में लगा था, एंड जैसे ही गाड़ी रेडी हुई बस वो माइकल का इंतजार ही कर रहा था, एंड अचानक से एक बंदा अंदर आ गया और उसने गन निकाल ली, ये अपनी जान बचा के वहां से भाग गया और वो माइकल की गाड़ी लेकर वहां से जा चुका है। तो मैंने इसको बोला कि भाई वो दिखने में कैसा था, तो इसने बताया कि उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे, हेलमेट पहन रखा था, मास्क लगा रखा था, और ये काम एक ही लोग कर सकते हैं, वो है किलर कमांडोस। क्योंकि अगर ग्रीन गैंग होती तो हेलमेट नहीं लगाती, पर ग्रीन गैंग से तो हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। गाइस प्रेसिडेंट ने सोचा कि अगर माइकल के पास उसकी कार नहीं होगी तो माइकल भाई बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसीलिए शायद किलर कमांडोस को मेरे पीछे यहाँ पे भेज के उन लोगों ने मेरी गाड़ी चोरी करा दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार वो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मेरे फोन को ट्रैक नहीं कर सकते। हैकर्स ने एक डिवाइस डाल रखा है जिसे कोई भी मेरे फोन को हैक नहीं कर सकता, इसका मतलब जरूर वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं। मैकेनिक मन तो कर रहा है कि तेरे को यहीं पे शूट कर दूं, पर तेरी इसमें कोई गलती नहीं है इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूं। ये तो मेरे को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है कि तेरे वजह से मेरी गाड़ी चली गई यार, मेरे को कलर चेंज कराना ही नहीं चाहिए था, वो उसी कलर में काफी ज्यादा बढ़िया थी। बॉडीगार्ड छोड़ यार उसको कुछ मत बोल, मेरे को जल्दी से यार फटाफट से अपने हैकर्स को कॉल करना होगा, अभी हैकर्स ही गाड़ी का पता लगा सकते हैं। और अच्छी बात है कि यार मैंने अपनी गाड़ी में काफी सारे ट्रैकर वगैरह लगवा रखे हैं, तो गाड़ी को हम लोग आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। पर अगर ये काम किलर कमांडोस का हुआ ना तो उनमें से कोई नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म करूंगा भाई, मैं सबको मारने वाला हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फटाफट से हैकर को कॉल करता हूँ और जल्दी से अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करते हैं। तो मैं अभी यार अपने हैकर्स को कॉल ही कर रहा था, और गाइस उसी बीच मेरे पास प्रेसिडेंट का कॉल आ गया और प्रेसिडेंट से अभी मेरी बात हुई है। मतलब पीटर ने मेरे को फोन किया था और पीटर बोल रहा था क्या माइकल अपनी कार को ढूंढ रहा है, तो मैंने उसको बोला कि भाई अगर तूने मेरी कार चोरी करवाई है तो मैं सही में तेरे को खत्म कर दूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जैसे तेरे घर में घुस के मैंने तेरे किलर कमांडोस को मारा, बिल्कुल वैसे ही मैं तुझे मारने वाला हूँ। तो पीटर तो मेरे को उल्टा धमकी दे रहा था, पीटर बोल रहा था कि माइकल ने अनाउंसमेंट तो सुन ली होगी, लॉस सांटोस की सारी पब्लिक अभी माइकल के पीछे बढ़ जाएगी, और अभी माइकल क्या माइकल की टीम में से भी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई ऑफर चला रखा है कि जिंदा या मुर्दा माइकल की टीम में से या फिर माइकल को जो भी पकड़ेगा उसको बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो गाइस हमारे लिए खतरा तो देखो काफी ज्यादा हो गया है, हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। बाकी मैंने प्रेसिडेंट को बोला कि भाई मेरी गाड़ी का है, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, तो प्रेसिडेंट बोल रहा है कि यार पहले माइकल ना उसका डायमंड गोल्ड और पैसा वापस करे फ्री गाड़ी देगा। तो मैंने भाई मना कर दिया, पैसा तो नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी प्रेसिडेंट ने मुझे अपनी कार की लोकेशन बता दी और बोल रहा है कि एलेक्स के घर पे जाए, वहां पे माइकल की गाड़ी खड़ी है, और फिर बस फोन काट दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया और कार एलेक्स के घर ही क्यों खड़ी कर भाई। बॉडीगार्ड जल्दी आके बैठ, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाहता है भाई, मेरे साथ कौन सा गेम खेल रहा है। पहले उसने लॉस सांटोस में अनाउंसमेंट कर दी, खुद भाई पुलिस की इंसल्ट कर दी कि पुलिस वालों से भाई कुछ हुआ नहीं, माइकल प्रिजन से बाहर आ गया। एक तरीके से अभी लॉस सांटोस की पब्लिक पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करेगी, और अभी ये मेरी गाड़ी चोरी करवा के उसने गाड़ी को अपने पास नहीं रखा, एलेक्स के घर पे खड़ा करा रखा है। भाई मेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा है, बाकी बॉडीगार्ड गन वगैरह निकाल के रखना, हो सकता है कि यार वहाँ पे किलर कमांडोज हो, और अभी हमारे पास कोई स्पेशल वेपन भी नहीं है। ओके तो बॉडीगार्ड ने यार देखो साइड वाला शीशा तोड़ लिया और गन वगैरह निकाल ली है, अगर वहाँ पे बॉडीगार्ड होते भी हैं तो भाई कुछ भी हो जाए अपनी गाड़ी तो लेकर रहनी है, चाहे उसके लिए मेरे को किसी को भी मारना पड़े। फटाफट से चलते हैं एलेक्स के घर पे और जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। तो अभी हम लोग यार एलेक्स के घर पे पहुँचने वाले हैं, और गाइस मेरा एलेक्स का घर, और ये यहाँ क्या हो रखा है भाई, यहाँ तो गाइस पूरे घर को उड़ा दिया। जल्दी 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 भाई बॉडीगार्ड जल्दी गाड़ी में सतर, हमें आग बुझानी पड़ेगी। गाइस ये भाई यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम लोग यहाँ देखो, ओ भाई रेंज रोवर को पूरा इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है,
भाई इंडियन डॉन को पता लगेगा तो पता नहीं क्या होने वाला है यार। इंडियन डॉन ने आज ही मुझे भाई इन दोनों चीजों को ध्यान से रखने को बोला था। बॉडीगार्ड कुछ भी कर भाई, आग बुझाने की कोशिश कर घर में भाई, कुछ भी कर, कैसे भी करके आग बुझा बॉडीगार्ड भाई, पूरे घर में आग लगेगा। इस पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। यह काम जरूर प्रेसिडेंट ने किया है, पर इन लोगों ने मेरी गाड़ी यहाँ पे क्यों रखी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड गाइस, इसमें कहीं बॉम्ब वगैरह तो नहीं लगा दिया ना? ये बॉम्ब लगा दिया हो जैसे मैं बैठूं गाड़ी अंदर से पूरी ब्लास्ट हो जाए भाई। बॉडीगार्ड मुझे नहीं लगता है कि यार ये इससे आग बुझने वाली है। कहीं पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इंडियन डॉन को मैं क्या बोलूंगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडियन डॉन मेरे को आज ही बोल कर गया था कि यार गाड़ी और घर की मेरे को देखभाल रखनी है, और ये पूरा घर उड़ चुका है, पूरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब एलेक्स की जो आखिरी निशानी थी वो भी गाइस खत्म हो गई, और ये काम भी प्रेसिडेंट ने ही किया है। प्रेसिडेंट मेरे हाथ से बचेगा नहीं, मैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। तो अभी यार हम लोग को अगर घर को बचाना है तो गाइस हमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगानी पड़ेगी, और हम लोग फोन नहीं कर सकते हैं। दो बॉडीगार्ड एक काम कर, कुछ भी कर तू फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर आ जा भाई, कुछ भी कर जल्दी से जल्दी जा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से हम लोग ये आग बुझा सकते हैं, क्योंकि पूरा घर खत्म हो जाएगा अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया। वैसे पीछे ओशन तो है पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, हमें बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। और अगर हम लोगों ने फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया तो वो लोग पुलिस वालों को साथ में लेकर आ सकते हैं और हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। तो अगर हम लोग को घर को बचाना है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। और एक सेकंड, मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर किसी गाड़ी को उड़ा दूँ तो शायद वो लोग आग बुझाने आए। एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी तबाही मचा दूँ तो वो लोग आग बुझाने ज़रूर आएंगे। एक मिनट, मुझे किसी ना किसी को तो उड़ाना ही पड़ेगा, देखो मजबूरी में गाइस किसी को मारना पड़ा। अब बस फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो लोग आते हैं मैं उन लोगों से गाड़ी लेकर इस घर की आग बुझाने वाला हूँ। तब तक मुझे घर के अंदर ही भाई कुछ ना कुछ ढूंढना होगा जिससे मैं घर की आग बुझा पाऊँ। तो अभी यार काफ़ी देर हो चुकी है बॉडीगार्ड का इंतजार करते करते, पता नहीं वो कहाँ पे रह गया। और बाहर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्चर वगैरह मारे थे पर फायर ब्रिगेड वाला कोई आ ही नहीं रहा है। वैसे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, आज पता नहीं फायर ब्रिगेड कहाँ पे रह गई। बस बॉडीगार्ड गाइस टाइम से आ जाए। और ये कौन है? एक मिनट गाइस, ये हेलीकॉप्टर लेकर अचानक से कौन आ गया भाई? इसने भाई हेलीकॉप्टर देख लो रोड पे क्रैश कर भाई, ये कौन है? एक सेकेंड, मेरे को लॉन्चर निकाल के रखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना कोई। ये इंडियन डॉन है ना, ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ क्या कर रहा है भाई? इसको कैसे पता लगा कि घर में आग लगी है भाई? इसे कैसे पता लगा गाइस? मेरे को नहीं पता इसको कैसे पता लग गया, पर ये बहुत नाराज होने वाला है गाइस। इंडियन डॉन भाई, ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब प्रेसिडेंट ने किया है। और मेरी गाड़ी चोरी करके उसने यहाँ पे खड़ी कर दी, एंड जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा पूरे घर में आग लगी हुई थी, रेंज रोवर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैंने बॉडीगार्ड को भेजा है भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाने के लिए, वो कुछ ही देर में आ रहा होगा, तो टेंशन ना ले, हम लोग घर को बचा लेंगे। गाड़ी को मैं रिपेयर करा दूंगा गाइस, गाड़ी वैसे रिपेयर पता नहीं होगी या नहीं होगी भाई। एलेक्स की गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इंडियन डॉन का दिमाग बहुत ख़राब हो रहा होगा। इंडियन डॉन भाई मेरी बात सुन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक सेकेंड गाइस भाई, एक मिनट इंडियन डॉन भाई मेरी बात गाइस, इंडियन डॉन यहाँ बहुत नाराज हो, मेरी बात सुन इंडियन डॉन, एक सेकेंड मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन भाई। यहाँ पे इंडियन डॉन गाइस बहुत ज़्यादा नाराज हो गया है। एक मिनट इसकी तो भाई क्या कर रहा है यार, मेरी बात तो सुन ले भाई, मैं इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता। एक मिनट मेरी बात तो सुन ले भाई, यहाँ देख रहे हो इंडियन डॉन लगातार मेरे को मारने में लग, भाई मेरी बात सुन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी भाई बात सुन ले मेरी, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या इंडियन डॉन गाइस मेरी बात नहीं सुनने वाला? ये मेरे से बहुत नाराज़ हो गया और बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है कि अब ये माइकल को नहीं छोड़ेगा, माइकल को ख़त्म कर देगा, क्योंकि माइकल ने इसके भाई को भी ख़त्म करवा दिया। और यहाँ तुम लोग देख गाइस बेसबॉल का डंडा ये लेकर यहाँ पे आ चुका है, सीधे सर में डंडा मारा इसने। माइकल जल्दी उठ, जल्दी 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 उठना पड़ेगा गाइस, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं गाइस यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पे बहुत गुस्सा है, कहीं ऐसा ना हो कि गन वगैरह भी निकाले। एक मिनट भाई मेरे को निकलना पड़ेगा। अबे जल्दी गाइस, तुम लोग यहाँ देख रहे हो इंडियन डॉन मेरे पर गोलियाँ चला रहा है भाई, ये मेरा इतना ज़्यादा अच्छा दोस्त था और अभी ये मेरा दुश्मन बन गया भाई। यहाँ देख रहे हो मेरे को मारने के लिए लॉन्चर चला रहा है ये, मैंने कभी सोचा नहीं था गाइस
कि इंडियन डॉन मेरे ऊपर लॉन्चर चलाएगा भाई, वो मेरे को खत्म करना चाहता है। यहाँ तुम लोग देखो भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरे को नहीं पता इंडियन डॉन को किसने कॉल करके यहाँ पे बुलाया, वो तो इंडिया वापस जा रहा था और उसने बोला था कि वो लॉस सांटोस कभी नहीं आएगा। मुझे लगता है ज़रूर इसमें भी प्रेसिडेंट का हाथ है, और अभी जो इंडियन डॉन मेरा दुश्मन बना है, ये काम भी प्रेसिडेंट ने ही करा है भाई। प्रेसिडेंट का दिमाग तुम लोग देख रहे हो कितना खतरनाक चल रहा है। मुझे तो लगा था कि यार मैं उसे ख़त्म करूँगा, पर उसने तो मेरा ही प्लान मेरे ऊपर भारी डाल दिया। कहीं जब यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं बॉडीगार्ड को कॉल करके सैंडी शॉर्ट्स बुलाने वाला हूँ। अगर बॉडीगार्ड भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर एलेक्स के घर पे गया तो हो सकता है कि यार इंडियन डॉन उसे भी मारे। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा ना, पीछा नहीं कर रहा, यहाँ से निकलना पड़ेगा और लेस्टर को सारी चीज़ें बतानी होंगी। तो अभी हम लोग यार अपनी टीम के पास पहुँचने वाले हैं, और गाइस मेरे पास ना इंडियन डॉन का कॉल आया था, और इंडियन डॉन ने मेरे को यार बहुत ज़्यादा धमकी दी है। इंडियन डॉन ने भाई सीधे सीधे बोल दिया है कि यार माइकल के वजह से उसका भाई मरा था, माइकल के वजह से उसके भाई का घर टूट गया, कार डिस्ट्रॉय हो गई, और अब माइकल को कोई नहीं बचा सकता है। तो गाइज मैंने इंडियन डॉन को समझाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहा है कि यार अब वो मेरे को ख़त्म करके ही मारेगा, और तभी लॉस सांटोस से जाएगा जिस दिन माइकल का दी एंड कर देगा। तो मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अपनी टीम के बंदे हैं, एक सेकेंड, फ्रैंकलिन, लेस्टर और ट्रेवर का है। यार मैंने ट्रेवर को समझाया था कि यार यहाँ पे आ जाए, अभी मेरे को उसकी जरूरत है, क्योंकि इंडियन डॉन अगर यहाँ पे आ गया तो उसे रोकने वाले भी तो चाहिए। मैं उसके ऊपर अभी गोली वगैरह नहीं चला सकता क्योंकि यार वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी वो मेरे से नाराज है, पर मैं उसको समझा लूंगा। और एक सेकेंड का यहाँ पे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, ये कौन है? एक सेकेंड मेरे को देखना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, इस पानी में मेरे को जंप करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि ज़रूर ये इंडियन डॉन है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आया है। एक सेकेंड मेरे को पानी में साइड में जाना पड़ेगा, मेरे को छुपना पड़ेगा। ये पक्का इंडियन डॉन है, क्योंकि इंडियन डॉन ही ऐसे काम करता है। उसके लॉस सांटोस में बहुत कॉन्टैक्ट है, उसके पास बहुत पैसा है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ये काम शायद इंडियन डॉन का ही है, और अगर उसने मेरी गाड़ी यहाँ पे देख ली तो उसको पता लग जाएगा कि यार मैं यहाँ पे हूँ और वो मेरे को यहाँ पे मारने आया है। यार अभी लॉस सांटोस में एक दुश्मन कम था कि यार मैंने अपना एक और नया दुश्मन बना लिया, वो भी मेरा दोस्त। तो अभी मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा गाइस। एक सेकेंड गाइस, वो इंडियन डॉन ही, और तुम लोग वहाँ देखो इंडियन डॉन अभी अपनी टीम के पास जा रहा है। मेरे को नहीं पता वो बात क्या करने जा रहा है, पर मुझे इतना पता है कि यार इंडियन डॉन इनको कुछ नहीं करेगा, उसकी दुश्मनी माइकल से है, वो माइकल को यहाँ मारने आया है। ओके मेरे को देखना पड़ेगा। एक सेकेंड तुम लोग यहाँ देखो, इंडियन डॉन अभी लेस्टर और फ्रैंकलिन से बात कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पे बहसबाजी कुछ चल रही है। एक मिनट, टाइसन भाई यहाँ पे कुछ, टाइसन उससे बहस, टाइसन तू बीच में मत पड़ना यार भाई, इंडियन डॉन बहुत। एक सेकेंड गाइस, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई इंडियन डॉन ने एक भाई फ्रैंकलिन के, एक सेकेंड उसने लेस्टर को भी एक रख दिया भाई। एक मिनट तुम लोग यहाँ देख रहे हो, फ्रैंकलिन के भी एक पंच रख दिया उसने। यार ये लोग बस लड़ना स्टार्ट ना कर, फ्रैंकलिन बहुत सही यार हाथ नहीं उठा रहे इंडियन डॉन के ऊपर भाई, तुम लोग देख रहे हो। मेरे को छुपना पड़ेगा। इंडियन डॉन के एक पंच से टाइसन बेहोश हो गया, लेस्टर को एक पंच रखा, एक फ्रैंकलिन को रखा। मुझे लगता है कि ज़रूर वो लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे होंगे। एक मिनट गाइस, वो मेरी गाड़ी में स्टिकी बॉम्ब लगा रहा है, मेरे को आवाज़ आ रही है, मेरे को देखना पड़ेगा। एक मिनट। ओके तो गाइस तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ओ तेरी, उसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी। एक सेकंड मेरे को चुप कर भाई, वो मेरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर रहा है गुस्से में आकर। तुम लोग यहाँ पे देखो, वो तो अच्छा है कि मेरी गाड़ी में यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन डॉन जितने चाहे उतने यहाँ पे तू आरपीजी लॉन्चर मार ले मेरी गाड़ी। भाई उसने मिनी गन निकाल ली है यार, ये क्या करना चाह। एक सेकंड, यहाँ पे कोई बंदा आ गया उसको मारने। ओके ओके, एक सेकंड गाइस, मैं काम करता हूँ, मैं छुप के रहता हूँ। अगर उसने मेरे को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तुम लोग यहाँ देख भाई, मेरे को घास में छुपना पड़ेगा। ओके मैं झाड़ के अंदर आ गया, स्टिकी बॉम्ब लगा रहा है वो फिर से मेरी गाड़ी के अंदर। अबे यार ये सही में मेरी गाड़ी, ओके जा रहा है बहुत सही गाइस। इंडियन उन्होंने यहाँ से निकल गया, उसने मेरी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिकी बॉम्ब यहाँ पे लगा दिए, बट गाड़ी के अंदर कोई स्क्रैच नहीं आया होगा। एक बार पहले वो चले जाए, उसके बाद ही मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। इंडियन डॉन अभी मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मैं अगर उसके सामने आ गया तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं भाई, मेरे को ख़त्म कर देगा। ओके एक सेकेंड ओके इंडियन डॉन ऊपर ही है, वो हेलीकॉप्टर से गोलियाँ चला रहे क्या? इंडियन डॉन चला गया यहाँ से। ओके
तो वो जा रहा है इंटेंट ऑन। मेरे को फटाफट से अपने टीम से बात करनी पड़ेगी कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो गया कि उसने इन्हें मारना स्टार्ट कर दिया और भाई टाइसन ने उसे गलत पंगे ले लिए। भाई टाइसन वो ट्रेवर नहीं है, वो इंडियन डॉन है, वो बहुत खतरनाक बंदा है, तो इसको भी उठाना पड़ेगा। और तुम लोग यहाँ देखो इनकी भी बुरी हालत कर दी। तो अभी टाइसन को यार हम लोगों ने उठा लिया और टाइसन बोल रहा है कि यार वो बंदा कौन था इतना खतरनाक कि उसने मेरे को एक पंच मारा, मैं एक पंच में बेहोश हो गया। तो अभी मैंने उसको बताया कि यार वो बंदा ना इंडियन डॉन हमारी टीम का ही बंदा है, हमारी टीम का एक स्ट्रांग बंदा जो कि अभी मेरा बहुत तगड़ा दुश्मन हो गया है। तो लेसन बोल रहा है कि यार ये जरूर प्रेसिडेंट का काम होगा। माइकल की कार पहले उसने चोरी की, भाई एलेक्स के घर पे खड़ी करी, एलेक्स के घर को डिस्ट्रॉय करवाया, उसकी कार को डिस्ट्रॉय करवाया, और इंडियन डॉन को भी कॉल करके उसी ने यहाँ पे वापस बुलाया होगा ताकि वो माइकल को दिखा पाए। और जैसे ही इंडियन डॉन ने माइकल को एलेक्स के घर पे देखा तबाही के साथ, तो उसे लगा कि ये काम शायद मेरा होगा, मैंने उसके घर को उड़ा दिया, गाड़ी को उड़ा दिया, और इसीलिए इंडियन डॉन मेरे से इतना ज्यादा नाराज है कि वो मेरे को खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। तो गाइस अभी मैं इंडियन डॉन के सामने नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसने मेरे को देख लिया ना तो सही में मेरे को छोड़ेगा नहीं। अभी तो उसका इतना दिमाग खराब है कि मेरे को सीधे शूट कर देगा, क्योंकि उसने आज भाई लेस्टर को भी एक पंच मारा, फ्रैंकलिन के दो तीन पंच मारे, और अच्छा रहा फ्रैंकलिन ने उसे कुछ नहीं बोला, नहीं तो फ्रैंकलिन की भी हालत खराब कर देता। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार आखिरकार हम लोग इंडियन डॉन से बात कैसे करेंगे, नहीं तो ऐसे तो यार वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा और मैं उस पर यार हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे खड़े हो गया यार इंडियन डॉन के बारे में ही सोच रहा था, और गाइस मेरे पास गोल्ड माफिया का कॉल आया, और गोल्ड माफिया बता रहे हैं कि यार उसके मेंशन पे अचानक से मिलिट्री वालों ने अटैक कर दिया है, चारों तरफ से पूरे मेंशन को घेर लिया है और उसके सारे के सारे बंदों को खत्म कर दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि यार वहां पे मिलिट्री अटैक करने वाली है, इसीलिए उसने अपने आधे बंदे कहीं बाहर भेज दिए, और आधे बंदों के ऊपर अचानक से मिलिट्री कर्नल ने मिनी गन चला दी। तो मैंने उसको पूछा कि यार तू तो ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यार वो तो अपनी जान बचा के वहां से भाग गया, पर माइकल को अभी के अभी वहां पहुंचना पड़ेगा क्योंकि मिलिट्री वालों ने चारों तरफ से पूरे मेंशन को घेर लिया है और वहां पे हमारा डायमंड गोल्ड और पैसा रखा हुआ है। तो बात सुनो, मैं फटाफट से अभी गोल्ड माफिया की जान बचाने जा रहा हूं, तुम लोग की अगर जरूरत पड़ती है तो मैं कॉल करूंगा, तुम लोग फटाफट से पहुंच जाना, और हां अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे बॉडीगार्ड भी है, तो बॉडीगार्ड को मैं कॉल कर दूंगा, सीधे मेरे को वहीं पे मिले। गाइस अभी मेरे को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अगर गोल्ड माफिया भाई मिलिट्री वालों के हाथ लग जाता है तो मिलिट्री वाले उसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जो ये नया मिलिट्री का कर्नल है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अकेले मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अगर उनकी नजर मेरे ऊपर रहेगी तो मैं उनको आसानी से खत्म कर सकता हूं, और पीछे से मैं अपनी टीम को भी बुला लूंगा। ट्रेवर तो पता नहीं कहां पे गायब है यार, ट्रेवर की जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है ना ट्रेवर गायब ही हो जाता है। अभी मेरे को ट्रेवर की जरूरत पड़ सकती है और ट्रेवर की गैंग की भी, और आराम से यार मेरे को गाड़ी को यहीं पे नहीं घुमाना। बाकी ब्लैक कलर में गाड़ी लग तो काफी बढ़िया रही है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि यार ब्लैक कलर कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग गाड़ी का कलर फिर से चेंज करा सकते हैं। वैसे ब्लैक कलर मतलब काफी बढ़िया तो दिख रहा है गाड़ी के ऊपर, तो फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई गोल्ड माफिया की जान बचाने। तो अभी हम लोग यार गोल्ड माफिया के मेंशन पे पहुंचने वाले हैं, और गाइस मेरे को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड माफिया के अभी जान खतरे में है। पैसा गोल्ड और डायमंड चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस गोल्ड माफिया की जान खतरे में नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई इतने ज्यादा मिलिट्री वाले पूरे मेंशन पे भरे हुए हैं। मेरे को एक सेकंड गाइस, तुम लोग यहाँ देखो मिनी गन की आवाज आ रही है, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसकी तो ऐसी की तैसी
इनको मारना पड़ेगा इनमें से, इनको भागना पड़ेगा, मेरे को भागना पड़ेगा। तेरी तो ऐसी की तैसी। गाइस गाड़ी को अंदर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक सेकंड भाई, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? एक मिनट मेरे को गाड़ी से उतरना पड़ेगा, मेरे को एक मिनट भाई, क्या हो रहा है? गाड़ी क्या सीन हो गया गाड़ी को? एक मिनट, ओके तो मुझे लग रहा है कि इसके टायर स्लिप हो रहे। ओके बहुत सही, तो अभी मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ। गाड़ी को मेरे को साइड में लगाना पड़ेगा, मेरे को खुद जाके मारना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे हैं, मेरे को जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ देख सकते हो गाइस, मिलिट्री के बंदे यहाँ तक आ चुके हैं मेरे को मारते। और तुम लोग यहाँ देखो, एक सेकंड, अभी मेरे को ग्रेनेड निकालना पड़ेगा, मेरे को ग्रेनेड और स्टिकी बॉम्ब फेंकने हैं, निकल यहाँ से। और एक मिनट, अभी मैं लोग को बताता हूँ भाई, एक मिनट मॉली डालने दो भाई, मॉली डाल के मेरे को उड़ाने दो, मेरी गाड़ी में कुछ नहीं हो रहा। एक मिनट, यहाँ तुम लोग देख रहे हो चारों तरफ गंदी तो भाई मची हुई है भाई, बहुत ज़्यादा बंदे हैं। तो अभी मैं गाड़ी को यहाँ पे रोकता हूँ, और एक सेकंड भाई, कोई नहीं बचने वाला है, इनमें से सारे बंदे मरने वाले हैं, मेरे को जल्दी जल्दी गाइस मिलिट्री वाले को मारना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे गोल्ड माफिया को बचा सकता हूँ। गोल्ड माफिया ने बताया था कि यार अंदर मिलिट्री का कर्नल भी है, जिसने उसके सारे के सारे बंदों को अचानक से मार दिया। उन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे मिलिट्री अटैक करने वाली है, नहीं तो वो लोग भी बहुत खतरनाक है। तुम्हारी तो निकलो यहाँ से गाइस, मेरे पास गनों की कमी नहीं है, निकल यहाँ से। मिनी गन मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं AKM से ख़त्म करूंगा, AKM का डैमेज भी बहुत ज़्यादा। तेरी तो निकल यहाँ से, और मिलिट्री के बंदे यहाँ पे आए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं। मुझे लगता है कि यार प्रेसिडेंट ने इस बार पुलिस नहीं भेजी है, मिलिट्री वाले भेजे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ तुम लोग। एक सेकंड गाइस, अभी मेरे को मिनी गन निकालनी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने मिनी गन निकाली और ये लोग ने मेरी गाड़ी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन लोग को ये नहीं पता कि मेरी गाड़ी नहीं उड़ने वाली। एक सेकंड, ये लॉन्चर कौन मार रहा है भाई? एक मिनट, मेरे को नहीं पता। एक सेकंड गाइस, अंदर से कोई लॉन्चर मार रहा है, निकल यहाँ से। देखो पहले लॉन्चर वाले बंदे से निपटना पड़ेगा, ये लॉन्चर कौन मार रहा है? एक मिनट, ओ थ्री इसकी तो है गाइस, तुम लोग यहाँ देख रहे हो, ये तो मिलिट्री का कर्नल है ना, तेरी तो ऐसी की तैसी बात कर रहा है। एक मिनट, अभी पहले मेरे को एक गाड़ी यहाँ पे ब्लास्ट करनी ही पड़ेगी, ताकि यहाँ पे जितने भी अंदर के साइड बंदे बाहर आ रहे हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाए। निकल यहाँ से भाई, ये वाली गाड़ी उड़ानी पड़ेगी। अबे आग क्यों नहीं लग रही इसके अंदर? बहुत सही, यहाँ पे मैंने बहुत गंदी दवाई मचाई है। अब मेरे को फटाफट, एक सेकंड मेरे को भाई, मेरे को ये गन लेने दो, अब आ जाओ। एक मिनट, आ जा, निकल यहाँ से। एक मिनट, तेरी तो ऐसी की तैसी, अब आ जाओ, निकल यहाँ से। जितने भी बंदे आएंगे सारे मरने वाले मेरे हाथ से, बाहर वालों से मैं बाद में निपटूंगा, फिर मेरे को अंदर जाना है। ओके अंदर फटाफट से चलते हैं, शायद गोल्ड माफिया अंदर के साइड ही है। गोल्ड माफिया ने बोला था कि यार वो बाहर के साइड भाग गया है। मेरे को एक सेकंड, यहाँ कोई भी नहीं है, मिलिट्री का कर्नल कहाँ गया भाई? तुम लोग यहाँ पे लास्ट, एक सेकंड, तेरी तो निकल यहाँ से, कहाँ छुप रहा है? इसकी तो ऐसी की तैसी, ये बंदा बचने वाला नहीं है, निकल यहाँ से भाई। कितना चलाकी दिखा रहा है, ये अब कवर में चले जा रहा है, जैसी मैं यहाँ पे मेरी गन चला रहा हूँ। निकल भाई, यहाँ पे चारों तरफ इसने देख रहे हो, यहाँ पे लाशें बिछा रखी है भाई। मेरे को एक सेकंड गाइस, अभी मैंने RPG गन ले लिया, अब आ जा हाथ में, निकल यहाँ से भाई। ये बंदा ना RPG छोड़ रहा है पत्थर की, निकल यहाँ से भाई, कहाँ चले जा रहा है ये? मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक मिनट, गन से मैं इसको बात में लॉन्चर चलाएगा ना, मैं इसके मुँह पर जाने वाला हूँ। तेरी तो ऐसे की, निकल यहाँ से, इसकी तो ऐसे की तसी, कहाँ निकल यहाँ, तेरी निकल, तेरी तो भाग कर रहा है, भाग कर रहा है इस बंदे। तेरी तो अभी तक मैंने इसका बहुत नाम सुना था कि बहुत खतरनाक बंदा है, आज जाके, आ जा बेटा, तेरी तो निकल यहाँ से। ओ भाई डॉच कर रहा है यहाँ पे, इसके हेड पे भी गोली लगी हुई है, इसने पर हेलमेट पहन रखा था इसीलिए बच गया, पर तेरी तो अब नहीं बचने वाला, बहुत गंदा मारने वाला हूँ इसमें इसको, बहुत ही गंदा तेरी तो। एक सेकंड मेरे को, एक सेकंड गाइस मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं, कुल्हाड़ी निकालने दो, अब आ जाओ, बहुत गंदा मारने वाला हूँ कुल्हाड़ी, तेरी तो भेजा निकाल। एक सेकंड मेरे को, कहाँ भाग रहे हैं? ओके तो मुझे लगता है कि ये अपनी, एक सेकंड गाइस, जा कहाँ पे रहा है, भाग कहाँ रहा है अब? ओके मेरे को नहीं पता है करना क्या चाह रहा है। एक सेकंड ये चाकू निकाल के लाए, आ जाओ बेटा, इस चाकू नहीं है ये, एक सेकंड, आ जाओ आ जाओ, गोल्ड वाली स्टिक है ये। मुझे लगता है इसने अपने सारे के सारे बंदों को बाहर रुकने के लिए बोला है, ये 1v1 मेरे से फाइट करना चाहता है, आजा, कोई दिक्कत नहीं है तेरी तो, बट इसको कुल्हाड़ी से डैमेज क्यों नहीं हो रहा भाई, इसने आर्मर पहन रखा। एक सेकंड भाई, चलाक बन रहा है ये बहुत ज़्यादा, अब हाथ से लड़ना ना, एक सेकंड भाई,
हाथ से लड़ ज्यादा हाथ से लड़के हाथ एक मिनट गाइस ने मेरे चाकू मार दिया पेट में। एक सेकंड मेरे को भागना पड़ेगा इसने मेरे बहुत सारे चाकू पेट में मार दिए जो मैंने आर्मर पहन रखा है गाइस वो डैमेज हो गया होगा। एक सेकंड निकल यहाँ से, इसने आर्मर पहन रखा है पर इसका आर्मर इसको ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा, कुछ ही देर में मैं इसको खत्म कर दूंगा। एक सेकंड गाइस मेरे को कवर में भी रहना पड़ेगा। तेरी तो यहाँ कोई कवर नहीं है, कोई निकल यहाँ से। एक सेकंड भाई मौली का है, मौली लाने दो। अब भाग बेटा, कहाँ भागेगा, अब भाग के दिखा सारे तरफ, मैं आगे आग लगा दूंगा खड़े होकर। मुझे लगता है गाइस ये अपनी फोन मौली निकाल ली इसके, अब कहाँ भागेगा, अब भाग बेटा कहाँ भागेगा, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अभी मैंने यहाँ से मिलिट्री कर्नल को तो भगा दिया है, पर गाइस एक गड़बड़ी हो चुकी है। लेस्टर का कॉल आया तो लेस्टर बोल रहा है कि यार पूरे मेंशन को चारों तरफ से मिलिट्री ने घेर लिया है, कुछ ही देर में यहाँ पे किलर कमांडोज आ जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, तो माइकल कैसे भी करके निकले। और मिलिट्री कर्नल का तो मैंने देख लिया कि यार उसके अंदर कितना दम है। और एक सेकेंड गोल्ड माफिया भाई तू एकदम सही टाइम पे आया, मेरे को तेरी जरूरत थी। तुम लोग क्या देख रहे हो गाइस, एक तरीके से पूरा ट्रैप था, मिलिट्री का कर्नल बस मेरे को यहाँ पे रोक कर रख रहा था ताकि यहाँ पे बाकी की फोर्स आ जाए, और मिलिट्री कर्नल जैसी फोर्स आई वैसे ही निकल गया क्योंकि उसको बताया कि माइकल से लड़ना बहुत मुश्किल है। और गाइस मैंने मिलिट्री कर्नल की बैंड बजा दी, उसने बहुत गंदा पीटा, वो बार बार गन निकाल ले रहा था पर मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। आ जाओ आप देखा जाएगा जो भी है, फटाफट से यहाँ से। एक सेकेंड गोल्ड माफिया जल्दी निकलते हैं यहाँ से, गोल्ड माफिया जा कहाँ पे रहा भाई, फटाफट से आ जा, हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। एक बार हम लोग गाड़ी में बैठ जाए उसके बाद हम लोग एकदम सेफ। और गोल्ड माफिया पैसों के चक्कर में मत रहे भाई, पैसों के चक्कर में मैं फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर पैसों के चक्कर में रहे तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। गाइस यहाँ पे पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह आ रहे थे बट पुलिस अभी तक शायद यहाँ पे पहुंची नहीं है, शायद लेस्टर ने रोक लिया होगा। बाकी तुम लोग चारों तरफ यहाँ पे देख रहे हो मैंने कितनी गंदी तरीके से यहाँ पे लोगों को मारा है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था। मिलिट्री वालों ने यार चलाकी दिखाई, लेस्टर को वो जो बंदा मिला था उसने बताया था कि मिलिट्री वाले फोर्स मंगा रहे हैं पर हमें ये नहीं पता था कि यार वो यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। ओके तो नीचे पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बैठ फटाफट से, निकलना पड़ेगा इसकी तो ऐसी, निकल यहाँ से। अब तो कोई भी सामने आ जाए मैं गाड़ी रोकने ही वाला नहीं हूँ, तुम्हारी तो ऐसे की आ जाओ, निकल यहाँ से भाई। एक बार हम लोग गाड़ी में बैठ जाए ना हम लोग एकदम सेफ, और रास्ते में अगर मेरे को मिलिट्री का कर्नल मिल जाता है ना तो रोक के मैं उसे ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि मिलिट्री के कर्नल का आर्मर मैंने पूरा डैमेज कर दिया था और मैंने तो उसे हेडशॉट भी मारा था और उसकी जान बच गई उसने जो हेलमेट पहना था। और एक सेकंड निकलो यहाँ से, जो भी सामने आएगा मैं उसको उड़ाते हुए जाने वाला हूँ, निकल यहाँ से भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, मैं एकदम सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, ये तो गोल्ड माफिया तो यहाँ पे ख़त्म होने वाला था। बाकी बॉडीगार्ड गाइस मेरे को कहीं नज़र ही नहीं आया, बॉडीगार्ड कहाँ पे है मेरे को कॉल करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि यार बॉडीगार्ड वहाँ दोबारा पहुँच जाए और ये लोग बॉडीगार्ड को पकड़ ले। हट यहाँ से भाई, जो भी सामने आएगा ना निकलो यहाँ से। एक सेकेंड भाई, तू उड़ाने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी ही उड़ा दी पर कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी गाड़ी से ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, कोई सीन नहीं। मैं यहाँ से इसको दोबारा ऊपर लेकर चलता हूँ, बहुत सही। और ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं चली गई यार, कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे लेकर चलते हैं। और यहाँ तुम लोग देख रहे हो गाइस इन लोगों ने भाई ट्रैफिक बंद कर दिया, हाईवे में बिल्कुल ट्रैफिक ही नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। भाई ये लोग मेरे को पकड़ना चाहते हैं पर अभी हम लोगों ने गाड़ी का कलर ही चेंज कर दिया, इनको समझ में ही नहीं आएगा। बाकी जो रास्ते में पुलिस नज़र आएगी उसको मारते हुए फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग ने यार फाइनली पुलिस से पीछा छुड़ा लिया और गाइस अभी हम लोग भागते भागते सांटी शॉर्ट्स की तरफ आ गए थे पर यहाँ पे भी लग रहा है कि यार अभी हम लोग सेफ नहीं है क्योंकि पुलिस मिलिट्री FIB सारी फोर्स हमारे पीछे पड़ी हुई थी। मिलिट्री वालों ने तो प्लान बना लिया था मेरे को पकड़ने का पर मिलिट्री कर्नल को अभी समझ में आ गया होगा कि यार माइकल को पकड़ना इतना आसान नहीं है, माइकल बहुत खतरनाक बंदा है। पर अगर थोड़ी देर मिलिट्री कर्नल गोल्ड माफिया के मेंशन पे और रहता ना तो आज मैं उसको तो ख़त्म ही कर देता भाई, वहाँ से सीधे भाग गया। तो अभी मेरे को थोड़ी देर यहाँ पे छुपना पड़ेगा और गोल्ड माफिया तो बिल्कुल ठीक है ना, एक काम करता हूँ गाइस मैं ना गाड़ी को पीछे के साइड लगा देता हूँ, बहुत सही। तो गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं, गोल्ड माफिया एकदम सेफ है, बस मुझे अपने बॉडीगार्ड का पता करना है क्योंकि मैंने उसे काफ़ी सारे कॉल किए थे उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया था, कहीं ऐसा ना हो कि यार गोल्ड माफिया वहाँ पे हमारे ले गया हो और उसे किडनैप वगैरह कर ले हो। भाई अगर ऐसा हो गया तो सीन हो जाएगा, तो एक काम करते हैं भाई पहले ना उसका पता करते हैं कि यार वो कहाँ पे है।
तो अभी यार काफी देर से मैं बॉडीगार्ड को कॉल लगा रहा हूँ पर गाइज उसका नंबर ही बंद जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार आखिरकार वो है कहाँ पे, क्योंकि मैंने उसे कॉल करके यार गोल्ड माफिया के मेंशन पे बुलाया था और वो वहाँ पे पहुंचा ही नहीं है। बाकी तुम लोग यहाँ देख रहे हो यार गोल्ड माफिया काफी ज्यादा टेंशन में है और ये अपनी लगातार गैंग को कॉल करके लॉस सांटोस सिटी बुला रहा है, क्योंकि इसने अपनी गैंग को कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहने के लिए बोला था। पर अभी इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। गोल्ड माफिया बोल रहा है कि अभी उसको बस एक ही काम है, मिलिट्री के कर्नल से बदला लेना, क्योंकि मिलिट्री कर्नल चालाकी से इसके मेंशन में घुसा, मिनी गन से सारे के सारे बंदों को मार दिया और इस चीज का इसको बदला लेना है। गोल्ड माफिया तू टेंशन ना ले, मिलिट्री कर्नल से तो हम लोग बदला लेकर रहेंगे, पर उससे पहले हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। बाकी गोल्ड माफिया बोल रहा है नहीं भाई, जो करेगा वो करेगा, माइकल अभी सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ दे, तो अभी मैं इसको कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। बाकी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ना लेस्टर के हैकर्स को कॉल करता हूँ, बॉडीगार्ड के फोन की लोकेशन ट्रैक करने को बोलता हूँ। तो अभी मैंने लेस्टर के हैकर को कॉल कर दिया और मैंने उसको बोला कि भाई बॉडीगार्ड के फोन की लोकेशन को ट्रैक करे और जल्दी से मेरे को बताए। और एक सेकंड यार, गोल्ड माफिया कुछ बोल रहा है भाई, क्या क्या हो गया गोल्ड माफिया? एक सेकंड, काफी ज्यादा गुस्से में है। ओके, तो गोल्ड माफिया बोल रहा है कि माइकल इसे एक लोकेशन पे छोड़ दे, इसने अपनी पूरी की पूरी गैंग को फोन करके वहां पे बुलाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड माफिया, मैं तेरे को वहां छोड़ तो देता हूँ, पर मैं तेरे को एक चीज बता दूं कि यार मिलिट्री वालों पे अभी अटैक नहीं करना है, पहले हम लोग एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाएंगे उसके बाद ये काम करना है, क्योंकि मिलिट्री से लड़ना देख इतना आसान नहीं है। हम लोग लॉस सांटोस सिटी में स्पेशल वेपन्स बनवा रहे हैं और एक बार वेपन बन जाए उसके बाद सारे के सारे वेपन हम लोग अपनी पूरी टीम को देंगे और गैंग वालों को देने वाले हैं। तो गोल्ड माफिया तू बैठ जा, मैं तेरे को आराम से छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी इस बंदे से बात करके ज्यादा कोई फायदा नहीं है, इसका दिमाग गाइस बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो इसने मेरे को पलीटो के साइड की एक लोकेशन दी है, ये बोल रहा है बस माइकल इसे वहां तक छोड़ दे, बाकी सारी चीजें ये संभाल लेगा। यार हमें ना गोल्ड माफिया के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो यार ये पीछे से जाके मिलिट्री बेस में अटैक वगैरह कर दे, और अगर ऐसा हो गया ना तो इन लोगों के लिए काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो मिलिट्री कर्नल बहुत ज्यादा चलाक है और उसको ये तो पता होगा कि माइकल उससे बदला लेने आएगा, तो उसने भाई अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं और भाई गोल्ड माफिया को छोड़ कर आते हैं। और गोल्ड माफिया ने भाई लोकेशन मार्क भी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड माफिया, तो आराम से बैठ, मैं तेरे को छोड़ कर आता हूँ। तो अभी हम लोग पलीटो पे पहुंच चुके हैं और अभी ना मैं काफी ज्यादा छुप के आया हूँ, अगर हम लोग हाईवे से आते तो पुलिस पक्का पहचान लेती, क्योंकि चारों तरफ अभी पुलिस ही पुलिस है, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा ऑफरोडिंग करते हुए आना पड़ा। पर इस वाली गाड़ी से ना ज्यादा दिक्कत नहीं आती भाई, ये गाड़ी ना ऑफरोडिंग भी एकदम आराम से करवा देती है। एंड यहाँ देखो ये लोग कहाँ वॉक कर रहे हैं यार। ओके, तो गोल्ड माफिया बोल रहा है कि यार यही लेफ्ट में मैं साइड में रोक लूँ। ओके, तो गाइस तुम लोग वहाँ देख सकते हो भाई गोल्ड माफिया ने वहाँ पे गोल्ड का एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगवा रखा है भाई, बहुत सही। तो कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड माफिया को, मैं वहाँ तक छोड़ के आ जाता हूँ, वहाँ पे शायद उसका एक बंदा भी खड़ा है। तो गोल्ड माफिया बता रहा था कि यार उसने अपने बंदे बुलाए, और एक सेकंड गोल्ड माफिया जल्दी कवर में जा। हाँ तुम लोग देख रहे गाइस, तुम लोग वहाँ देख रहे हो पुलिस की बोट जा रही है, एक मिनट मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो देख रहे हो भाई यहाँ पे पुलिस की बोट है, मुझे लगता है कि पुलिस वालों को शक तो नहीं हो गया। एक मिनट गोल्ड माफिया आराम आराम से आगे चल। ओके गाइस आराम आराम से आगे जाना, बहुत सही, हम लोग जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम आराम से आगे चल। एक मिनट। ओके, तो गाइस शायद आगे निकल के बोलो। ओके वो लोग हमें ढूंढते हुए नहीं आए, बस वो लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब देख रहे हो लॉस सांटोस के प्रेसिडेंट ने चारों तरफ कितनी ज्यादा फोर्स फैला दी है कि वो लोग सिर्फ सड़कों पे नहीं भाई, आप पानी के अंदर भी ढूंढ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोग एकदम सेफ है। और गोल्ड माफिया भाई जल्दी से जल्दी अपनी गैंग को लेकर लॉस सांटोस आ जाना, मुझे नहीं पता कि इसने कहाँ पे अपनी गैंग को रखा है, पर ये बोल रहा है कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी गैंग लेकर आएगा और मिलिट्री कर्नल को छोड़ेगा नहीं, मेरे को नहीं पता। बाकी यार मेरे को ना पुलिस पे नजर रखनी पड़ेगी। ओके, तो इन लोगों को अभी पता नहीं है, बाकी ये लोग आगे के साइड जा रहे, एक सेकंड। ओके, तो गोल्ड माफिया भाई, ओके गोल्ड माफिया बैठ चुका है भाई, बाय बाय गोल्ड माफिया, और फोन कर देना भाई जब भी लॉस सांटोस में आए। ओके, तो अभी गोल्ड माफिया यहाँ से जा चुका है, फटाफट से अभी मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, बहुत सही। तो अभी मेरे को सीधे अपनी टीम के पास सैंडी शोर जाना है और हाँ बॉडीगार्ड का भी पता लगाना है, तो फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं। बाकी यार ये गाड़ी ना अभी मेरे लिए एकदम सेफ तो है, पर इसे यार कुछ टाइम के लिए ना अंडरग्राउंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी में मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ना तो भाई सबको पता लग जाएगा इस गाड़ी का बहुत तगड़ा सीन है।
तो इस गाड़ी को कुछ टाइम के लिए छुपा के रखना पड़ेगा मेरे को। अभी हम लोग को एक नॉर्मल गाड़ी चाहिए, पर ये गाड़ी मैं यहाँ ही छोड़ने वाला हूँ, सोच रहा हूँ सांडी चोर्स में कहीं रखूंगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और गाइस इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं बैन करते हैं। आई होप आप लोग को मजा आया, अगर मजा आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ तुम लोग के लिए यार देखो मैंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना जो भी लोग GTA 5 के वीडियोज देखते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।